So guys, this is our fifth class in you know, a series of reinforcement learning. And guys, if you remember, what we did in the last class was a complete practical exposure to basics of reinforcement learning, where we used a library called Jim, if you remember right. We used a library called Jim, and we used Colab, right? We used Google Colab to write the code, if you remember, right? And we see a lot of things, and the particular environment that we imported from the Jim was a frozen lake. Okay, that was the environment. And that frozen lake environment in the beginning, right, that we were using, and we created an agent, right? We created agent that was working in this environment, and initially that agent is completely dumb, right guys? This agent was completely dumb, and as a reinforcement learning, we need to learn this, that how we can make this agent intelligent so that the agent can take the right decisions to achieve the goal in an optimal way. So guys, प्लीज बताएं, मेरी आवाज अभी तक पहुंच रही है? लोकेश का कहना है कि आवाज सर आपकी नहीं आ रही है, एक बार मुझे बता दें प्लीज, कंफर्म कर दें। ओके, रिया कह रही है कि सर आवाज आ रही है। हो सकता है लोकेश तुम्हारे साइड नेटवर्क का कुछ इशू रहा है, इस वजह से आवाज में यू नो प्रॉब्लम है। ओके, नाउ गाइज, लास्ट टाइम हमने एक और चीज की बात की थी, वो बात ये थी कि हम किसी भी यू नो रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम को, हम किसी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज ए मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उस मैथमेटिकल मॉडल का नाम क्या था गाइस, कोई नाम बताएगा? उस मैथमेटिकल मॉडल को क्या कहते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यू नो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दुष्यंत और रिया दोनों ने ही एमडीपी जवाब दिया, लविश ने भी, विशाल ने भी, सभी लोग एमडीपी, वेरी गुड गाइज, आई एम हैप्पी। सो एमडीपी विच इज मार्कोव डिसीजन प्रोसेस, राइट? मार्कोव डिसीजन प्रोसेस ये चीज थी, और मार्कोव डिसीजन प्रोसेस बेसिकली एक मैथमेटिकल टपल है जिसमें क्या क्या चीजें हैं, स्टेट्स होती हैं, एक्शंस होते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन या प्रोबेबिलिटी फंक्शंस होते हैं, रिवॉर्ड होता है, और एक होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये पांच चीजें हैं, और आपको ध्यान हो तो मैंने इन पांचों, इनमें से यू नो काफी सारी चीजों को कि स्टेट क्या क्या हो सकती हैं, आपको ध्यान है फ्रोजन लेक के केस में जो है आपको टोटल 16 स्टेट्स थी, एक्शन आप सिर्फ चार ही ले सकते हैं, या तो लेफ्ट मूव कर सकते हैं, डाउन मूव कर सकते हैं, राइट मूव कर सकते हैं, यू नो अप मूव कर सकते हैं। फिर ट्रांजेक्शन पॉलिसीज में या ट्रांजेक्शन फंक्शंस में भी हमने दो चीजें देखी थी, वैसे एक को ही मैंने अभी तक डिस्कस किया है कि एक तो डिटर्मिनिस्टिक, उसमें आपने देखा होगा प्रोबेबिलिटी कैसे यू नो आ रही है, और एक होता है स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक का मतलब होता है गाइस रैंडम, इसका विचार अभी तक हमने बहुत ज्यादा नहीं किया है, कोई बात नहीं मैं इसको लूंगा। सो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी या ट्रांजिशन फंक्शन को हम दो तरीके से देख सकते हैं, कि एक तो हमारा एजेंट हमेशा एक डिटर्मिनिस्टिक एक्शन ले रहा है, कि हमें पता है कि यार इस स्टेट से ऐसे 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 जाएगा। याद है तुम लोगों को हमने ये एक्शन लिए थे जिसको हमने क्या कहा था, गुड प्लान, राइट? वी कॉल्ड इट एज अ गुड प्लान, राइट? सो ये तो डिटर्मिनिस्टिक है, इसमें हमने क्या कर दिया था, हमने इसमें कर दिया था कि यार इसमें जो है स्लिप तो है ही नहीं, राइट? स्लिप वाज फॉल्स। तो जब भी वो कुछ एक्शन लेने का इंटेंशन करता है, वो हमेशा उस एक्शन को ले पाता था। अगर वो इंटेंशन करता है कि नहीं यार मुझे अब आगे राइट लेना है, तो राइट ही लेगा, एक और राइट लेना है तो एक ही राइट लेगा। दैट वॉज द डिटर्मिनिस्टिक एनवायरमेंट, राइट? हमने जानबूझ करके उस एनवायरमेंट में इस फ्लैग को इनेबल किया था। लेकिन रियलिटी में यू नो इन रियलिटी ये तो एक आइडल केस है, ऐसा होता नहीं है। फ्रोजन लेक एनवायरनमेंट में ऑब्वियसली स्लिपेज होगा, और इसी चीज को हम स्टोकेस्टिक कहते हैं, जहां पे हम श्योर नहीं है कि अगर हम इंटेंशन बनाए कि यार आगे यू नो राइट में मूव करना है, तो क्या वास्तव में हम राइट में मूव कर पाएंगे, राइट? सो
ये चीज जो है इसी तरीके के एक्शंस को हम स्टोकेस्टिक एक्शन कहते हैं। स्टोकेस्टिक का बेसिक मतलब रैंडम, कि अगर मैं कोशिश करूं यहां से यहां जाने की तो स्लिप की वजह से ऐसा भी हो सकता है कि मैं इधर चला जाऊं, ऐसा भी हो सकता है मैं इधर चला जाऊं, इधर हो सकता है मैं, या फिर मैं यहीं रह जाऊं, राइट। और कुछ प्रोबेबिलिटी इधर जाने की है, मतलब मैं हो सकता है अगर 5 बार ट्राई करूं इधर जाने की तो हो सकता है 3 बार सक्सेसफुली चला जाऊं लेकिन 2 बार मैं फेल भी हो जाऊंगा। रियल यू नो सिनेरियो ये है, इसको कहते हैं स्टोकेस्टिक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और चर्चा हम आने वाले टाइम में करेंगे। फिर हमने रिवॉर्ड की बात की थी कि जब भी हम कोई एक्शन लेंगे तो उसका एक रिवॉर्ड होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर एक है डिस्काउंटिंग फैक्टर। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर बेसिकली क्या हो रहा है, आप इस चीज को थोड़ा सा आप और समझ सकते हैं कि डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या क्या चीज है यहाँ पे, कि बेसिकली आपको मैंने जब बताया था कि जब भी हम एक स्टार्टिंग यू नो स्टेट से चलेंगे और गोल को अचीव करना है तो हम उस चीज को कहते हैं एपिसोड, राइट, कि हमने स्टार्ट किया और फिर हमें गोल तक जाना है, बीच में ही हम लोग यू नो फेल हो गए, हमारा गेम ओवर हो गया, या जहां पर भी हम रुक गए फाइनली, जिसको हम टर्मिनेट कहेंगे, वो चीजें यू नो एपिसोड कहलाती हैं। और हमारा अल्टीमेटली ये गोल रहता है किसी भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रॉब्लम में कि हमारा रिटर्न मैक्सिमम होना चाहिए, राइट, वी शुड हैव अ मैक्सिमम रिटर्न, राइट। एंड बेसिकली उस रिटर्न को कहते हैं जी, क्या बोलते हैं गाइस, रिटर्न को कहते हैं जी। ये आर डिफरेंट है, ये जी डिफरेंट है। आर तो रिवॉर्ड है, राइट, रिवॉर्ड आपको हर एक्शन पे मिलता जाएगा, लेकिन जो रिटर्न है वो कब अचीव होगा, जब आप अपना काम पूरा कर लेंगे, राइट। तो किसी भी एजेंट की जो डिजाइनिंग होगी वो किस तरीके से होगी, हम डिजाइन करते हैं सो दैट वी हैव द मैक्सिमम रिटर्न, राइट, सो दैट वी हैव द मैक्सिमम रिटर्न, राइट। एंड और उसका रिलेशन किस तरीके से है, रिलेशन इस तरीके से रहता है कि रिटर्न इज ऑलवेज डिनोटेड एज अ सम ऑफ रिवॉर्ड्स, राइट। सो यू नो किसी भी पर्टिकुलर टाइम टी पे क्या रिटर्न है उसको कैसे डिनोट किया जाएगा, पर्टिकुलर टाइम पे जो रिटर्न है उसको हम डिनोट करते हैं कि इससे यू नो टी प्लस वन पे रिटर्न क्या है, राइट, फिर टी प्लस टू टाइम पे रिटर्न क्या है, बट ये वाला रिटर्न अब गामा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट right? फिर हम आगे चलेंगे कि आर टी प्लस थ्री पे कितना है, तो अब ये गामा स्क्वायर हो जाएगा, राइट right? और आगे चले तो आर टी प्लस फोर पर क्या, तो अभी गामा फोर, ऐसा देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पे बेसिकली ये जो गामा है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये वही है जो यहाँ पे मैंने लिखा है फिफ्थ, राइट। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि बेसिकली आप यहाँ पे इस चीज को देख सकते हैं कि गामा इन आइडियल केस या तो जीरो होता है या वन, लेकिन इन रियलिटी में उसकी जो वैल्यू है गाइज, मैंने आपको इनिशियल डेफिनेशन जो दी थी उसमें ये बताया था कि सब गामा जो है या तो उसकी वैल्यू जीरो होती है या वन होती है, ये एक 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 तरह से आइडियल केस है, राइट। एक्सट्रीम केसेस में ये एग्जिस्ट करता है इस तरीके का सिनेरियो, बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम गाइज, यू नो इन मोस्ट ऑफ द टाइम गामा इज समवेयर बिटवीन 0. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द गामा गाइज, यू नो, सो गामा इज समवेयर अराउंड 0.9 और 0.99, ये जनरल वैल्यूज की रहती है, राइट। एंड इस चीज को सब फॉर्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि इस पर काफी चर्चा आने वाले टाइम में भी होगी, राइट। और कई बार क्या होता है गाइज, यू नो ये जो रिटर्न है या फिर हमारा कोई पर्टिकुलर रिवॉर्ड है, इनको कई बार हम यू नो मिक्स भी कर देते हैं, यू नो जनरली, बट रिटर्न एक अलग चीज है बाय डेफिनेशन, और आपका यू नो रिवॉर्ड एक अलग चीज है। तो जी को हम रिटर्न कह रहे हैं और आर को हम रिवॉर्ड कह रहे हैं, राइट। एंड एजेंट हमेशा उस तरीके के एक्शन को चूज करेगा जिससे कि हम रिटर्न को मैक्सिमाइज कर सके, राइट। सो इट इज एक्चुअली यू नो अ सेइंग दैट एजेंट सीक्स टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। सो एजेंट सीक्स टू मैक्सिमाइज द एक्सपेक्टेड रिटर्न। ओके, नाउ गाइज
अब इस चीज के साथ साथ हमें दो तीन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। थोड़ी सिंपल डेफिनेशंस हैं, मैं उन लोगों पहुंचा देता हूं आप तक, सो दैट आपके पास एक पूरा कंप्लीट पैकेज यू नो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशंस रेडी हो जाए। एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गाइस पॉलिसी। ये पॉलिसी क्या है? सो पॉलिसी बेसिकली स्ट्रेटजी को ही हम पॉलिसी कहते हैं, राइट? इसी को हम स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, या स्ट्रेटजी का हम दूसरा भी नाम दे सकते हैं सेट ऑफ रूल्स, राइट? सेट ऑफ रूल्स वही पॉलिसी कहलाएगी, वही स्ट्रेटजी कहलाएगी और वही सेट ऑफ रूल्स कहलाएगा। अब पॉलिसी का काम क्या है? पॉलिसी का काम है कि एजेंट जो होता है, राइट, द एजेंट, राइट, इस पॉलिसी का यूज करता है और इस पॉलिसी का यूज करते हुए वो ये डिसाइड करता है कि नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। सो गाइज व्हाट इज दिस, राइट? एजेंट यूजिंग दिस पॉलिसी, राइट, यूजिंग दिस पॉलिसी, राइट, डिसाइड्स और डिटरमिन्स, राइट, डिटरमिन्स द नेक्स्ट एक्शन, राइट, नेक्स्ट एक्शन बेस्ड ऑन द करेंट स्टेट, बेस्ड ऑन द करेंट स्टेट। यस लोकेश, यू आर राइट, यू गॉट इट वेरी क्लियरली, राइट। और इसको डिनोट कैसे करते हैं गाइस? इसको डिनोट करते हैं, ऐसे पाई का साइन है और इसको ऐसे लिखा जाता है। इसका मतलब समझ लीजिए क्या है। इसका मतलब है अ पॉलिसी इज ए फंक्शन that determines the next action A, right, to take given you are in state S. जब आप state S में हैं तो next action A क्या लेंगे ये कौन decide करेगा? Policy decide करेगा। ये इस तरीके से हम policy को denote करते हैं, right? And generally हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि policy is defined as a probability, कभी भी हम उसको as a concrete action नहीं देते हैं, हम इसे probability you know के term में ही represent करते हैं, क्योंकि तुमको मालूम है, right, कि हमारे transition function या तो deterministic हो सकते हैं जो कि reality में exist नहीं कर सकते, या फिर stochastic हो सकते हैं, random हो सकते हैं, और जब भी random की बात आएगी तो उसमें probability का जिक्र जरूर होगा, right? So policy is defined as a probability, right, and a probability जो है वो एक तरह से हमें बता रहा है कि भाई जब हम किसी स्टेट में हैं तो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं, उनकी क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है। ओके, नाउ गाइस एक और चीज का ध्यान रखना है बहुत, यू नो, सो सबसे जरूरी जो चीज है अब जो मैं बोलने वाला हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, राइट? अगर हम एक सिंपल तरीके से बात करें तो बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं, वी कैन हैव अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज, राइट? किसी भी सिंपल एनवायरनमेंट में एक ही गोल को अचीव करने के लिए यू कैन हैव वैरायटी ऑफ पॉलिसीज। अगर मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है तो उसकी जाने की डिफरेंट पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं, राइट? एक पॉलिसी में अडॉप्ट करूं कि यार चलो ट्रेन से चले जाएंगे, एक पॉलिसी में अडॉप्ट करूं कि यार चलो फ्लाइट से चले जाएंगे, एक पॉलिसी में अडेप्ट करूं कि यार चलो अपने खुद के व्हीकल से चले जाएंगे, एक पॉलिसी में अडेप्ट करूं कि यार चलो बाय रोड चले जाएंगे, एक पॉलिसी में ये हो सकता है कि हम कौन सा रास्ता लेंगे, दूसरी पॉलिसी में हो सकता है कि रास्ते में बदलाव हो जाए, राइट? तो इतने कितनी यू नो पॉलिसीज बन सकती हैं, कितनी स्ट्रेटजीज बन सकती हैं सिंपल इस केस में कि आपको जयपुर से दिल्ली जाना है, राइट? तो और हर बंदा अपनी अपनी स्ट्रेटजी को लेकर के दिल्ली पहुंच सकता है, तो गोल एक ही है, राइट? बट यू कैन हैव अ वैरायटी ऑफ पॉलिसीज, यू कैन हैव अ वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज। बट सवाल क्या है कि सब पॉलिसी तो बहुत सारी हो सकती हैं, बट सवाल तो ये है कि ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी टू रीच यू नो दिल्ली इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जयपुर। तो जयपुर एक तरह से स्टेट है, दिल्ली भी एक स्टेट है, आपको जयपुर स्टेट से किस स्टेट में पहुंचना है? दिल्ली स्टेट में पहुंचना है, और उसके लिए यू कैन हैव वैरायटी ऑफ पॉलिसीज। अब पॉलिसीज तो बहुत सारी हो सकती हैं, हम किसके साथ जाएंगे वो पॉलिसी जो ऑप्टिमल हो, राइट? एंड ऑप्टिमल पॉलिसी कैसे डिसाइड होगी, राइट?
हमें एक ऑप्टिमल पॉलिसी किस तरीके से मिलेगी, राइट, उसके लिए, राइट, जो हम यूज करते हैं, जो एक कॉन्सेप्ट यूज करें, गाइज मैं बहुत ध्यान से बोल रहा हूं, आप उस चीज को सब लोग समझिए कि मैं पॉलिसी के बारे में चर्चा कर रहा हूं, मैंने पॉलिसी का डेफिनेशन आपको दे दिया है, और एक गोल को अचीव करने के लिए आपके पास बहुत सारी पॉलिसीज हो सकती हैं, राइट। अब हमारा जो प्रॉब्लम आ गया है वो ये है कि सब बहुत सारी पॉलिसीज में से हम एक ऑप्टिमल पॉलिसी को कैसे डिसाइड करें, राइट। सो हाउ टू डिसाइड द ऑप्टिमल पॉलिसी, राइट। ये एक हमारा कि सब दिल्ली जयपुर की जो बात हम लोग कर रहे हैं कि सब जयपुर से जाना है और दिल्ली पहुंचना है, तो उसके तो बहुत तरीके हो सकते हैं, राइट। सो तो उसमें से ऑप्टिमल रास्ता क्या है, ऑप्टिमल पॉलिसी क्या है, जिसमें हो सकता है टाइम कम लगे, जिसमें हो सकता है फ्यूल का कंजम्पशन कम लगे, जिसमें हो सकता है आपको आराम ज्यादा आए, जिसमें हो सकता है कि आप जो है एक तरह से किसी एक्सीडेंट का रिस्क सबसे कम हो। कितने सारे केसेस हो सकते हैं जहां के हिसाब से हम एक पॉलिसी को डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अब ऑप्टिमल पॉलिसी को कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं वैल्यू फंक्शन। गाइज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या है? वैल्यू फंक्शन ये है जो डिसाइड करता है, जो डिटरमिन करता है कि एजेंट के लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। सो वैल्यू मतलब एजेंट के लिए क्या अच्छा और क्या अच्छा नहीं है, मतलब पॉलिसी की बात हो रही है, राइट right? सो वैल्यू फंक्शन ही क्या करेगा, ऑप्टिमल पॉलिसी को फाइंड आउट करता है, वो ही डिसाइड करता है कि व्हाट इज गुड फॉर द एजेंट इन द लॉन्ग रन, राइट। गाइज आई एम टॉकिंग अबाउट अ वैल्यू फंक्शन। वैल्यू फंक्शन क्या कर रहा है? वैल्यू फंक्शन डिटरमिन्स व्हाट इज गुड फॉर द एजेंट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का मतलब गोल को अचीव करना एक लॉन्ग रन है, राइट। गोल को अचीव करना एक लॉन्ग रन है, राइट। सो गाइज यहां पर अब हम वैल्यू फंक्शंस की अगर हम बात करें तो गाइज वैल्यू फंक्शन में भी दो तरीके की चीजें होती हैं, राइट। इसका मतलब वैल्यू फंक्शन भी क्या होते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, राइट। सो वैल्यू फंक्शंस हेल्प टू लर्न। गाइज आई एम अगेन टेलिंग यू इन अ डिफरेंट वे, value functions help to learn and find optimal policies to the agent. Agent के लिए optimal policy बनाना या बनाने के साथ उसको time के साथ improve भी करना। ऐसा भी नहीं है कि शुरू में ही सब कुछ बना के रख लिया। हो सकता है जैसे जैसे आप experience आपको मिलता जा रहा है, जैसे जैसे आप नई चीजें सीखते जा रहे हो, उसके हिसाब से policy में बदलाव हो सकता है। कभी भी reinforcement learning में एक ऐसी policy design नहीं होती है जो शुरुआत में हमने ले ली है और अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है, राइट। यू कैन हैव चेंजेस इन योर पॉलिसी। हु विल मेक द चेंजेस? द वैल्यू फंक्शन विल मेक द चेंजेस। व्हाई इट विल मेक द चेंजेस? बिकॉज वैल्यू फंक्शन का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एजेंट के लिए एक ऑप्टिमल पॉलिसी को डिजाइन करे, राइट। अब वैल्यू फंक्शन दो तरीके के हो सकते हैं गाइज, वैल्यू फंक्शन कैन बी ऑफ टू टाइप्स फॉर यू। So let's talk about those value functions. So guys, now I'm on the value functions. So guys, the value functions are there. Okay, I'm coming to a very interesting end now. Now value functions में भी अब हमारे पास दो तरीके के functions हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम state value function. Guys, state value function, जिनको हम कई बार हम V function भी कहते हैं। So V function can also be the name. दूसरा क्या है? दूसरा कहते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्शन वैल्यू फंक्शन, राइट। दूसरा क्या हो गया गाइज? एक्शन वैल्यू फंक्शन, जिसको हम कई बार क्यू फंक्शन भी कहते हैं, राइट। अब स्टेट वैल्यू फंक्शन का मतलब क्या है? स्टेट वैल्यू फंक्शन उस वैल्यू फंक्शन को कहते हैं, राइट, जो ये पता करता है कि जो स्टेट है वो अच्छी है या बुरी है। गाइज आई एम टेलिंग यू अगेन, स्टेट वैल्यू फंक्शन हमेशा इस चीज की फिक्र करता है कि फिलहाल हम जिस स्टेट में हैं वो अच्छी है या बुरी है, राइट। और वो ये भी बताता है कि अगर हम इस स्टेट से स्टार्ट करें, अगर हम
इस करंट स्टेट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट? सो इट मेजर्स द गुडनेस ऑफ ईच स्टेट. इट ऑल्सो टेल्स अस द टोटल रिटर्न दैट वी कैन एक्सपेक्ट. एक्सपेक्ट ही बोलूंगा, फिक्स नहीं है ना, क्योंकि फ्यूचर में होने वाली चीज है, घटना है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे होगी, राइट? तो हम अंदाजा लगा रहे हैं कि हम अगर इस स्टेट में हैं तो क्या फ्यूचर में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल, ये मान लीजिए कि साहब दिसंबर 2019 में किसी बंदे ने एक टॉप क्लास मार्केट में, सिटी सेंटर के मार्केट में कोई शॉप खोली, और अब उसका एक्सपेक्टेशन ये है कि यार ये शॉप तो इतनी अच्छी लोकेशन पे है, यहाँ तो इतना फुटफॉल होता है, यहाँ पे तो लाखों की सेल पर डे होगी, तो अगले 6 महीने में मैं इतना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकता हूँ. वेरी वैलिड है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, राइट? बट उसको ये नहीं पता था कि यार कोरोना आ जाएगा मार्च से और दुकान ही बंद करनी पड़ेगी अगले 6 महीने के लिए या साल भर के लिए, राइट? सो समटाइम्स एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑल्सो मे चेंज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. तो हम जब भी हम डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते हैं किसी भी रिटर्न के बारे में, हम बात करते हैं व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट? कभी भी किसी भी चीज को हम एक तरह से 100% सिक्योरिटी ना दे करके हम यही कहते हैं कि सर ये पैसा डाल रहे हो आप जमीन में लगा दो तो आपको 20% रिटर्न, 50% रिटर्न मिल जाएगा, राइट? बट कई बार नोटबंदी हो गई तो लोगों को इतना बड़ा फटका लग गया कि रिटर्न क्या, उनको तो नुकसान भी उठाना पड़ गया, राइट? सो इतने बहुत सारा ये दुनिया जो है बहुत ही अनसर्टेन है, लेकिन हम फिर भी बात करते हैं कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न. सो गाइज, वैल्यू फंक्शन में जो पहला टाइप है स्टेट वैल्यू फंक्शन, जिसको हम लोग कह रहे हैं या जिसको हम वी फंक्शन कह रहे हैं, वो क्या करता है, स्टेट से रिलेटेड है. वो हमेशा गुडनेस ऑफ स्टेट को डिफाइन करता है कि इट्स अ गुड स्टेट और अ बैड स्टेट, राइट? और ये भी बताता है कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम दिस स्टेट व्हाट वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न टू अचीव द गोल, राइट? सो दैट इज देयर गाइज. नाउ हम एक तरह से दूसरे शब्द में कहें कि हाउ गुड और बैड इट इज टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट. स्टेट वैल्यू फंक्शन हमें ये बताता है कि हाउ गुड और बैड इट इज टू बी इन अ पर्टिकुलर स्टेट. एक पर्टिकुलर स्टेट में होना हमारे लिए अच्छी बात होगी या नहीं होगी, राइट? उसको हम लोग ये होगा. और इस वैल्यू फंक्शन को हम जनरली ऐसे लिखते हैं गाइस, वैल्यू फंक्शन को वी से रिप्रेजेंट करते हैं, पॉलिसी को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट को ऐसे रिप्रेजेंट. सो दिस इज the mathematical representation of the state value function, guys. Okay? This is the state value function. Okay. Now, दूसरी जो चीज है, right? दूसरी जो चीज है जिसको हम लोग कहते हैं action value function, जिसको हमने Q value function भी लिखा है. इसका mathematical representation, guys, ये है Q. जैसा आप जान गए होंगे कि ये हमारी action value की बात कर रहा है. फिर कौन सी policy? इस policy की बात कर रहे हैं. किस state में क्या action लेंगे? दो चीजें हैं यहाँ पे. तो एक्शन वैल्यू क्या कर रहा है गाइस? एक्शन वैल्यू है कि एक तरह से आप ऐसे बोल सकते हो कि एक्शन वैल्यू हमें ये बताता है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट? दोनों ही केस में एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात हो रही है, वी फंक्शन में भी और क्यू फंक्शन में. वी फंक्शन में हम स्टेट के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में अब हम एक्शन वैल्यू फंक्शन में अब एक्शन की भी तलाश करेंगे. सो इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड रिटर्न जी व्हेन द एजेंट इज एट स्टेट एस एंड टेक्स द एक्शन ए फॉलोइंग द पॉलिसी पाई, पॉलिसी लाइक पाई, राइट? सो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं. एक्शन वैल्यू फंक्शन में क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है कि भैया आपको कितना रिटर्न मिलेगा, कब? जब हमारा एजेंट किसी स्टेट एस में है और एक्शन ए ले रहा है, और एक्शन ए लेने के लिए किसने बोला है उसको? पॉलिसी ने बोला है. कौन सी पॉलिसी ने? पाई पॉलिसी ने उसको बोला है, तो उसमें क्या रिटर्न मिलेगा, राइट? अब ये दोनों वैल्यू फंक्शंस को समझने के बाद, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन दोनों वैल्यू फंक्शंस को समझने के बाद, कौन से वैल्यू फंक्शंस? एक तो पहली बात तो ये है कि वैल्यू फंक्शन क्या करते हैं, वैल्यू फंक्शन ही हमारे लिए ऑप्टिमल पॉलिसी ढूंढ के लाते हैं रीइंफोर्समेंट लाने में, राइट? और ऑप्टिमल पॉलिसी कि जब हम बात करेंगे तो वैल्यू फंक्शन को दो नजरिए से देखा जा सकता है. एक स्टेट वैल्यू फंक्शन जिनको हम वी फंक्शन कह रहे हैं, दूसरा एक एक्शन वैल्यू फंक्शन जिनको हम क्यू फंक्शन कह रहे हैं, राइट? अब गाइज यहां पे आके एक बात रुक गई है कि
स्टेट वैल्यू फंक्शन और एक्शन वैल्यू फंक्शन बनते कैसे हैं, स्टेट वैल्यू फंक्शन या एक्शन वैल्यू फंक्शन को कैसे निकाला जाए, उसके लिए अब एक कहानी थोड़ी सी तो हमें पास्ट में समझनी पड़ेगी। अगर जिसको मशीन लर्निंग की डेफिनेशन याद है, तो मैं शायद यू नो एटलीस्ट जिन्होंने फर्स्ट में कुछ ना कुछ कर रखा है साथ में, उनको पता होगा कि जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि गाइज मैथमेटिकल टर्म में दिस इज योर यू नो अ रिलेशनशिप y is equal to fx, where x जो है वो क्या है, independent variable है, y क्या है, dependent variable है, right? f क्या है कि सब mapping function है, हमें क्या दे रखा होता है, हमें सब data set दे रखा होता है, उस data set में क्या होता है, उसमें x भी होता है और y भी होता है, data set में अगर x और y है तो हम क्या पता कर सकते हैं, mapping function पता कर सकते हैं, mapping function एक तरह से relationship है कि जब input आएगा तो क्या output है, right? अब मैपिंग फंक्शन अगर हमें पता हो तो हम उसका यूज क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज दैट मैपिंग फंक्शन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई फॉर अ न्यू एक्स, राइट, इसी चीज को हम प्रेडिक्शन कहते हैं। तो यहां तो हो गई ट्रेनिंग, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि यूजिंग डेटा सेट आपने मैपिंग फंक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया है और उस मैपिंग फंक्शन के आइडेंटिफिकेशन के बाद राइट आपको एक नई वैल्यू ऑफ एक्स मिली है जिसको यूज करते हुए आपको वाई प्रेडिक्ट करना है। अब ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे बहुत सारी एल्गोरिथम आपके पास होती हैं। जब हम ट्रेनिंग करते हैं टू फाइंड आउट द मैपिंग फंक्शन, आपको देखना होता है कि कौन सी एल्गो लगाऊं, राइट, कि ये रिग्रेशन की प्रॉब्लम है तो क्या मैं लीनियर रिग्रेशन लगाऊं या डिसीजन ट्री लगाऊं या रैंडम फॉरेस्ट लगाऊं या SVR लगाऊं, अगर ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो क्या मैं नेव बेस लगाऊं, क्या मैं KNN लगाऊं, क्या मैं यू नो SVM लगाऊं, क्या मैं लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगाऊं, राइट, ये सब कहानियां उस टाइम पर आती हैं, आपको मालूम है ये चीज, राइट। सो यहाँ पे हमने मैपिंग फंक्शन को पता किया था अगर हमारे पास ये डेटा है। अब क्योंकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इनिशियल में तो डेटा कुछ है नहीं, राइट, फिर भी तुम्हें एक पॉलिसी तो पता करनी है। सो पॉलिसी पता करने के लिए हम वैल्यू फंक्शंस की बात कर रहे हैं, या तो क्यू फंक्शन है या वी फंक्शन है। अब ये फंक्शन निकाले कैसे जाते हैं, हाउ टू एस्टिमेट दीज फंक्शंस, राइट। सो ऐसे जैसे हम यहाँ पर एस्टिमेट कर रहे थे इस फंक्शन को यूजिंग सम एल्गोरिथम, नाउ वी विल यू नो एस्टिमेट दीज फंक्शंस एज वेल, जिससे कि हमें ऑप्टिमल पॉलिसी पता कर लगा सकें। क्योंकि अगर हम इनके बारे में पता नहीं करेंगे, अगर इनका इनकी पहचान सही से नहीं होगी तो पॉलिसी की भी पहचान सही से नहीं होगी, पॉलिसी की पहचान सही से नहीं होगी तो ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं मिलेगी, ऑप्टिमल पॉलिसी नहीं मिलेगी तो आपके कभी भी रिटर्न्स मैक्सिमाइज नहीं हो पाएंगे, जो कि किसी भी एजेंट का गोल है, राइट। सो इस तरीके की चीजों के लिए अब हम जो चीज यहाँ पर समझ रहे हैं कि गाइज एस्टिमेटिंग द स्टेट वैल्यू फंक्शन और एस्टिमेटिंग द एक्शन वैल्यू फंक्शन इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग मेथड। यही रीइंफोर्समेंट लर्निंग का सबसे बड़ा क्रक्स है गाइज। रीइंफोर्समेंट लर्निंग के थ्रू ही हम इन फंक्शंस को पता करेंगे, राइट। और अब जब हम बात करेंगे कि साहब कैसे ये यू नो ये फंक्शंस कैसे पता किए जाते हैं, हम कैसे इनको कई बार हम अप्रोक्सीमेशन भी कह देते हैं, एस्टिमेटिंग करना या फिर इनका अप्रोक्सीमेशन करना कि साहब क्या होगा, अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आ जाता है कि साहब इनकी पहचान करने के लिए अब जिस चीज की जो हमें जरूरत है, राइट, उस चीज को हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। कि न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हुए हम स्टेट वैल्यू फंक्शन या एक्शन वैल्यू फंक्शन को एस्टिमेट कर सकते हैं, उनके बारे में पता लगा सकते हैं। और न्यूरल नेटवर्क क्या है, न्यूरल नेटवर्क एक कंप्यूटेशन का आर्किटेक्चर है कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने काम करने के लिए। और न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ही पूरी दुनिया डीप लर्निंग की बेस्ड है। न्यूरल नेटवर्क के ऊपर ही डीप लर्निंग की पूरी दुनिया बेस्ड है। तो ये कहानी, अब मैं इसको यहाँ पे जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो एक तरह से जो है उसको मैं अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टॉप करूंगा, और अब मैं तुम्हें कुछ न्यूरल नेटवर्क की दुनिया दिखाने वाला हूं, क्योंकि उसके बिना आगे के प्रैक्टिकल पार्ट को अचीव करना पॉसिबल ही नहीं है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, राइट। तो पहली जो चीज है वो तो ये हो गई है गाइस, कि जो सही तरीका होना चाहिए था
तो सही तरीका तो आपका ये होना चाहिए था, जब भी आप आपके यू नो अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो भाई सबसे पहले तो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखो, पाइथन को सीखो, आर को सीखो। यहाँ से कवर करने के बाद फिर आप चलो दूसरी डायरेक्शन में, जहाँ पे आपने सीखा, मे भी हो सकता है आपने कुछ एडवांस पाइथन के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया कि सब डेटाबेस की हैंडलिंग कैसे होगी, आपने पढ़ लिया कि सब रैगएक्स को कैसे यूज करेंगे, आपने पढ़ लिया कि सब वेब स्क्रैपिंग कैसे होती है, राइट, आपने देख लिया कि सब यू नो इनके थ्रू REST APIs वगैरह का कॉल कैसे होगा, आपने कुछ और चीज़ें भी इसके थ्रू कर ली, या फिर आपने फ्लास्क या जेंगो टाइप की चीज़ों के बारे में भी यहाँ पे जान लिया। सो ये एक सेकंड स्टेप है। सो दैट वाज योर फर्स्ट स्टेप गाइज, दैट शुड बी योर सेकंड। इन द थर्ड स्टेप गाइज, यू मूव टू अ डेटा एनालिटिक्स, राइट। अब आप डेटा एनालिटिक्स की बात करें, राइट, सो डेटा एनालिटिक्स में अब आपको नॉलेज हो जानी चाहिए पांडास की, आपको नॉलेज होने जानी चाहिए नंपी की, आपको नॉलेज हो जानी चाहिए मैट प्लॉट लिट, राइट। ये मूव करने के बाद अब आप फोर्थ स्टेट में जब आते हो तो आपको पता होना चाहिए मशीन लर्निंग क्या है, राइट। सो मशीन लर्निंग में जब आप पहुंचते तब आपको मालूम होना चाहिए कि सब सुपरवाइज्ड क्या है और अनसुपरवाइज्ड क्या है, राइट। सुपरवाइज में फिर आपको मालूम होना चाहिए कि सब क्या रिग्रेशन है और क्या क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन के लिए कौन कौन सी एल्गो यूज करनी है, क्लासिफिकेशन के लिए कौन कौन सी एल्गो यूज करनी है, अनसुपरवाइज में भी कैसे क्लस्टरिंग होगी, राइट, कैसा एसोसिएशन होगा, उनकी वेरियस एल्गोरिथम्स क्या क्या हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, scikit-learn को कैसे यूज करने वाले हैं, राइट, वो एल्गो यहाँ पे। फिर उसके बाद आप चलते हो फिफ्थ स्टेट में, जिसको हम एक तरह से कहेंगे डीप लर्निंग, राइट। सो नाउ यू हैव टू यूज डीप लर्निंग, और डीप लर्निंग पूरा कंप्लीट जब कवर हो जाए तब हम फाइनली किस स्टेट पर पहुंचेंगे, यू विल फाइनली रीच टू अ स्टेट व्हिच इज कॉल्ड एज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दिस इज द एंड बेसिकली, राइट। एंड तो किसी चीज का नहीं है, बट एक लॉजिकल टर्म में कह सकते हैं कि यहाँ पे खत्म है दिस, देन दिस होल पैकेज, यू नो एटलीस्ट यहाँ से, यू नो मैकेनिकल मशीन लर्निंग से लेके डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग वाला ये जो पार्ट है, इस पूरे पैकेज को आप क्या बोल सकते हो, यू कैन कॉल दिस एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गाइस। दिस कंप्लीट पैकेज इज नोन एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये चीज यहाँ पे है, ये चीज तुमको समझनी, सो ये है। सो इस अगर ये रास्ता तुमने नहीं अपनाया, अभी अब तुम्हारे साथ एक चैलेंज हो गया कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे किसी सेमेस्टर में तीन और चार तो एक साथ आए होंगे, राइट। सो डेटा एनालिटिक्स भी पैरेलल चल रहा है, जो शायद सिल्वेस्टर सर ने लिया था, मुझे जहां तक ध्यान है, यू नो, और एमएल जो है वो भी साथ में चल रहा होगा। दूसरा फिर क्या, एक तो ये तो पहला झटका था, दूसरा झटका क्या है कि सब डीप लर्निंग एक साथ है और फिर रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक साथ है, जबकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में काफी सारी चीजें जो है वो डीप लर्निंग से ड्राइव होंगी, और ऐसे ही डीप लर्निंग की काफी सारी चीजें मशीन लर्निंग पे भी ड्राइव होंगी, राइट। विशाल ये रिकॉर्डिंग है वो सबको शेयर होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमको स्क्रीनशॉट लेने की ऐसा कोई जरूरत नहीं है, बट अगर तुम लेना चाहो तो ले लो, उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। सो बट मैंने एक रास्ता अपना बताया है तुम लोगों को, वो रास्ता जो है वो इस तरीके का है, राइट। और हर स्टेप पे अगर तुम एक दो प्रोजेक्ट बना लो ना, कि भैया दो प्रोजेक्ट मेरे पाइथन के हो गए, दो प्रोजेक्ट मेरे एडवांस पाइथन के हो गए, दो प्रोजेक्ट मेरे डेटा एनालिटिक्स के हो गए, दो प्रोजेक्ट मेरे मशीन लर्निंग के हो गए, दो प्रोजेक्ट मेरे डीप लर्निंग के हैं, दो प्रोजेक्ट तुम्हारे रीइंफोर्समेंट, और दो भी नहीं हो चलो एक भी चल जाएगा रीइंफोर्समेंट लर्निंग का, तो या सिर्फ इसके तो बोल भी दो कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होती है, ऐसे होती है, फलाना होता है, डिक्कड़ पुच्छड़, यू नो ये सब बोल भी दो तो भी कामयाब हो तुम लोग। ये तुमको कोई नो इस डोमेन में जॉब देने से कोई नहीं रोक सकता, जॉब तुम्हारा गारंटेड है। इस पॉलिसी को आज लगा लो, चाहे चार दिन, यू नो एक छह महीने बाद लगा लो, इफ यू फॉलो दिस पॉलिसी नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट ए जॉब इन दिस डोमेन, गाइस, नो वन कैन स्टॉप यू। अब तुम एवेल्युएट कर लो अपने आप को कि कहां पे खड़े हो, राइट। सो निशु कह रहा है कि डीप लर्निंग डेंजर जोन में है, अगर निशु डीप लर्निंग डेंजर जोन में है तो यू नो प्रॉब्लम है फिर तो यार, फिर तो अर्ली टर्मिनेशन ही है, गोल तक नहीं पहुंच पाओगे। सो गाइस दिस इज यू नो सो यस यू आर राइट विशाल, तुम सीधा तीन नंबर से सीधा छह नंबर पे पहुंच रहे हो, राइट।
नॉट ए ऑर्गेनिक ग्रोथ, इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक ग्रोथ। इनऑर्गेनिक ग्रोथ हमेशा ही नुकसानदायक होती है, राइट। यूरिया डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया, राइट। सो दिस इज देयर गाइज। सो गाइज, डीप लर्निंग पे कुछ डिसीजन आप लोगों का आया है, कुछ कुछ अपडेट आया आप लोगों को कॉलेज यूनिवर्सिटी? आप लोग कह रहे थे ना बात करेंगे। या विशाल, आई अंडरस्टैंड दैट, कोई इशू नहीं है। देखो बीएसडी का काफी लंबा साथ है फॉस के साथ, हम तो फर्स्ट ईयर से इन्वॉल्व हैं, राइट। बट हमारी लिमिटेशंस हैं, हम लोग बहुत ही यू नो, वो लोग जो हमें ऑर्डर देते हैं वो हम लोग उसको कर देते हैं अगर टाइम है तो हमारे पास, दैट्स इट। सो गाइस, अब हम सो सो गाइस, दिस इज यू नो, अबाउट यू नो रीइंफोर्समेंट लर्निंग गाइस। और अब मैं आगे की जो दुनिया आप लोगों को अब दिखाने वाला हूँ वो दुनिया अब कुछ डीप लर्निंग की होगी, राइट। सो सो यस निशु, सो ओके विशाल, दैट्स ओके। सो आगे हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी न्यूरल नेटवर्क के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट ऑन दैट पार्ट नाउ गाइस। देखो इस चीज को समझिए आप कि हम मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन तीन चीजों में है, राइट। देयर आर थ्री डिफरेंट वर्टिकल्स, ये तीनों हैं चीजें मशीन लर्निंग, ये तीनों चीजें ही एआई का पार्ट बनती हैं। इन तीनों चीजों के थ्रू ही हम एआई सिस्टम्स को डेवलप करते हैं, राइट। अब यहाँ पे तुमने देखा होगा कि जब भी हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, एमएल की बात करते हैं, तो आप लोग रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, ये चीजें परफॉर्म करते हो, राइट। ये चीजें परफॉर्म करते हो चारों चीजें, सेम, राइट। डीप लर्निंग में भी रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन, ये चारों चीजें भी डीप लर्निंग में की जा सकती है, राइट। यहां पे मशीन लर्निंग में जो तरीके, तौर तरीके अपनाए जाते हैं उनको हम लोग क्लासिकल मेथड्स कहते हैं, क्लासिकल टेक्निक्स, जो ज्यादातर किसके ऊपर बेस्ड हैं, दे आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, राइट, दे आर बेस्ड ऑन स्टेटिस्टिक्स, राइट। ये चीज यहाँ पे डीप लर्निंग में भी हम ये चीजें करेंगे, जो चीज यहाँ पे कर रहे हैं, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएशन, डीप लर्निंग में इन चीजों को अचीव करने के लिए हम यूज करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स का। सो गाइस, न्यूरल नेटवर्क के बारे में बताऊंगा आप लोगों को अभी। नाउ पॉइंट ये है कि साहब कब हम एमएल की बात करें और कब हम डीप लर्निंग, क्योंकि रास्ते अगर हम बात करें तो वो चीज जो एमएल से कर सकता हूँ वो डीएल से भी की जा सकती है, जो चीज डीएल से हो रही है वो एमएल से भी की जा सकती है, पर वी हैव टू डिसाइड कि कहाँ पे इस हथियार को यूज करना है और कहाँ पे इस हथियार को यूज करना है, राइट। समझ आई चीज? सो वी हैव टू डिसाइड। तो डिसीजन इस तरीके का है कि इफ यू आर प्लेइंग विद ए स्मॉल डेटा सेट गाइज, यू नो, अगर तुम्हारा डेटा सेट स्मॉल है,
तो ऑब्वियसली उस केस में मशीन लर्निंग अच्छी चीज है, यूज करना चाहिए. बट जब डेटा सेट लार्ज है, राइट, तो डेटा सेट इज लार्ज, उस केस में सो डेटा सेट लार्ज कब होगा, अगर हम बात करें कि सब डेटा सेट लार्ज कब होगा, तो डेटा सेट सो लार्ज तब होगा जब तुम लेट से तुम्हारा डेटा सेट इमेजेस है, तो ऑब्वियसली यू नो डेटा साइज बढ़ गया, या डेटा सेट में वीडियोज हैं, या डेटा सेट में ऑडियो है, या डेटा सेट में कुछ लार्ज टेक्स्ट है, ऐसे कुछ केसेस हैं, तो ऑब्वियसली वो डेटा सेट वॉल्यूम में बड़ा ही होगा, वो लार्ज ही होगा, राइट. एंड ऑब्वियसली वो जब डेटा सेट लार्ज होगा तो फिर हमें सीधा सीधा डीप लर्निंग की अप्रोच ही लेनी चाहिए. इसीलिए जब भी इमेज से रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड, ऑडियो से रिलेटेड या टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ बात आती है, तो हम यही कहते हैं कि साहब यू हैव टू अप्लाई डीप लर्निंग, राइट. बेसिकली होता क्या है, उस चीज को समझ लीजिए, न्यूरल नेटवर्क की जितनी भी यू नो बात अगर हम करें, उसमें सबसे जरूरी बात यह है कि न्यूरल नेटवर्क एक ऐसा यू नो आर्किटेक्चर है गाइस, जो कि बहुत ही ज्यादा डेटा हंगरी है. यू नो इट इज डेटा हंगरी. सो डेटा हंगरी का मतलब क्या है कि अगर आपको न्यूरल नेटवर्क से सही सही काम चाहिए, तो आपको उसको बहुत सारा डेटा देना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए. अगर आपने उसको डेटा कम दिया, तो फिर न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस आपको कभी भी अच्छी नहीं मिलेगी. इसीलिए हम इस तरीके का एक ग्राफ भी यू नो देख सकते हैं ड्रॉ करके, कि अगर हम बात करें कि सब ये हमारा डेटा का साइज है इस डायरेक्शन में, और ये हमारा परफॉर्मेंस है कि सब कैसा परफॉर्मेंस आ रहा है किसी भी एल्गोरिथम का, तो जनरली मशीन लर्निंग की परफॉर्मेंस ऐसी रहती है गाइस. यू नो दिस इज योर एमएल मशीन लर्निंग, राइट. एक 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 उस स्टेट के बाद डेटा भले ही ज्यादा हो कम हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एमएल की परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है. और दूसरा होता है डीप लर्निंग. तो डीप लर्निंग ऐसा होता है, दिस इज डीप लर्निंग गाइस, यू नो. सो आप देख पा रहे होंगे कि जैसे जैसे डेटा बढ़ रहा है, वैसे वैसे डीप लर्निंग मतलब न्यूरल नेटवर्क की परफॉर्मेंस बढ़ती जा रही है गाइस, यू नो. बट ये जो यहाँ पे इस रेंज में, जब तक आपका साइज कम है डेटा का, तब तक तो एमएल देख रहे होंगे कि एमएल अच्छा काम कर रही है, राइट. एमएल की परफॉर्मेंस डीप लर्निंग से बेटर है, राइट. सो ये तो डीप लर्निंग है गाइस, और ये हो गया तुम्हारा एमएल, राइट. बट जैसे जैसे डेटा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा एमएल तो कुछ खास यू नो परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं दे रहा है, लेकिन इसकी इंप्रूवमेंट एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है. तो इसीलिए यू नो गाइस, यहाँ पे जब भी लार्ज डेटा सेट होगा, सो डीप लर्निंग इज द गुड वे टू अचीव योर टारगेट. और डीप लर्निंग की जब हम बात करते हैं, तो डीप लर्निंग पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क के ऊपर बेस्ड है गाइस, पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क के बेस्ड है. अंकित झाझरिया, समझ में आ रहा है, प्लीज बताएं, आर यू देयर गाइस. एक और चीज हम बात करें यहाँ पे गाइस, अब बात रही है कि सब री इन्फोर्समेंट लर्निंग. तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग में इस चीज को देखिए, जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे वो क्या है कि सब एमएल के केस में भी तुम्हारे पास डेटा सेट है, डीप लर्निंग के केस में भी तुम्हारा डेटा सेट है, यहाँ पे तुम्हारे पास कोई डेटा सेट नहीं है, सो नो डेटा सेट, राइट. और दूसरा, यहाँ पे तुम क्लासिफिकेशन या रिग्रेशन या क्लस्टरिंग ये सब परफॉर्म कर रहे हो. री इन्फोर्समेंट लर्निंग में आपको जो काम करना है वो है यू हैव टू टेक सम एक्शन, राइट. आपको एक्शन लेना है, और एक्शन ऐसा लेना है कि जिससे कि मैक्सिमम रिटर्न आप अचीव करो, रिटर्न्स मैक्सिमाइज, यही तो है यू नो. सो ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग का पार्ट है. अब गाइस हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज की क्लास में न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में. ऑब्वियसली ये कोई डीप लर्निंग की क्लास नहीं है, तो मैं न्यूरल नेटवर्क का एक इंट्रोडक्शन थोड़ा फास्ट वे में दूंगा गाइज, यू नो डीप लर्निंग का जो इंट्रोडक्शन है वो फास्ट दूंगा मैं. और इसीलिए तो मैं बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, स्क्रीन पे भी ध्यान से देखना है, और जो मैं कह रहा हूँ उसके बारे में सुनवाई भी आपको करनी है. अब चलिए हम बात करते हैं. तो गाइज जब मैं भी डीप लर्निंग की जब बात करूंगा, डीएल, तो ऑब्वियसली उसमें न्यूरल नेटवर्क तो आना ही आना है, उसके बिना मतलब डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क के बिना हो ही नहीं सकती. पहली चीज तो ये मान लो, फर्स्ट रूल ये है, नो डीप लर्निंग विदाउट न्यूरल नेटवर्क. न्यूरल नेटवर्क ही डीप लर्निंग है, ठीक है. नाउ गाइस, डीप लर्निंग के भी
दो टाइप होते हैं, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया कि एक तो सुपरवाइज डीप लर्निंग होगी और एक होगी गाइज अनसुपरवाइज डीप लर्निंग। गाइज बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ये तुम्हारे लिए काफी यू नो वैल्यूएबल लर्निंग हो सकती है। ठीक है गाइज, तुम्हें मालूम है जब भी हम सुपरवाइज डीप लर्निंग की बात करेंगे तो हम किस तरीके के डेटा सेट पर काम करेंगे? वी विल बी वर्किंग ऑन अ लेबल्ड डेटा सेट, राइट? लेबल डेटा सेट का मतलब क्या होता है? यू हैव फीचर्स एज वेल एंड यू हैव लेबल एज वेल, मतलब एक्स भी है और वाई भी है। एक्स एक से ज्यादा भी हो सकता है तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर ऐसे, राइट? दैट इज देयर। कुछ कुछ लिटरेचर्स में लेबल को टारगेट भी कहते हैं, कुछ लिटरेचर्स में यू नो लेबल को हम जो है रिस्पॉन्स भी कह सकते हैं, ये चीज है, राइट? नाउ सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में गाइस तीन प्राइमरी यू नो टाइप के एक तरह से न्यूरल नेटवर्क या जिनको हम आर्किटेक्चर कहते हैं, आर्किटेक्चर का मतलब होता है प्रोसेस करने का क्या तरीका अपनाया जा रहा है डेटा को। सो तीन तरीके के आर्किटेक्चर्स हैं गाइस। एक कहलाता है ANN which is called as artificial neural network, right? artificial neural network। दूसरा कहलाता है CNN जिसको हम लोग कहते हैं convolutional neural network, right? convolutional neural network या चंद्रप्रकाश। और तीसरा होता है RNN जिसको हम लोग कहते हैं recurrent neural network। ओके, अगर हम मशीन लर्निंग से एक तरह से ये जो CNN है गाइस जिसको हम लोग convolutional neural network कहते हैं, ये ही कंप्यूटर विजन है, इसी को हम लोग कंप्यूटर विजन में यूज करते हैं। तो जब भी हम कंप्यूटर विजन की बात करेंगे, राइट, कंप्यूटर विजन का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम, राइट, ऐसा हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर जो कि इमेज में से या वीडियो में से चेहरे को पहचान सके, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सके, बता सके कि ये चेहरा किसका है, बता सके कि इमेज में कार है या ट्रक है, बता सके कि यू नो ट्रैफिक लाइट अभी ग्रीन है या रेड है, बता सके कि उस इमेज में क्या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो बता सके कि क्या उस इमेज में कोई आदमी दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, राइट? ये सारे के सारे एग्जाम्पल कंप्यूटर विजन के एग्जाम्पल हैं गाइज। और कंप्यूटर विजन को अचीव करने के लिए डीप लर्निंग का जो स्पेसिफिक आर्किटेक्चर यूज होता है वो कहलाता है CNN। ये एक पहली चीज है गाइज। RNN जिसको हम लोग रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क कहते हैं गाइज, ये भी अपने आप में एक बड़ा पावरफुल आर्किटेक्चर है और फिलहाल हम इसको यूज करते हैं जब तुम्हारे पास डेटा बहुत यू नो बहुत ज्यादा हो, जिसको हम एक तरह से टाइम सीरीज एनालिसिस कहते हैं। और टाइम सीरीज एनालिसिस में भी गाइज, अभी तुम जीमेल यूज करते हो ना, तो जीमेल में जैसे ही कुछ लिखते हो तो वो साथ में कुछ तुम्हें यहाँ पे ऑप्शंस देने लग जाता है कि क्या तुम ये लिखना चाहते हो, राइट? जैसे कुछ लिखते हैं तो वो ऑप्शन देने लग जाता है ना, ये पूरा RNN के थ्रू अचीव होता है गाइस। दैट इज ऑल RNN। इस पूरे डीप लर्निंग में जो सबसे बेसिक मॉडल है न्यूरल नेटवर्क का, वो बेसिक मॉडल है ANN। तो जैसा मैंने तुमको बताया था गाइज की मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड भी होता है और अनसुपरवाइज्ड भी होता है, राइट? सुपरवाइज में भी दो टाइप तुमको बता चुके हैं रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन, राइट? रिग्रेशन को अचीव करने के लिए बहुत सारी एल्गोज होती हैं, क्लासिफिकेशन को अचीव करने के लिए भी एल्गोज हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बेस, KNN और इस तरीके की तमाम यू नो एल्गोरिथम ऐसे रिग्रेशन। सो गाइज अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है कि मशीन लर्निंग में रिग्रेशन परफॉर्म करने के लिए, क्लासिफिकेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास बहुत सारी एल्गोरिथम्स हैं। डीप लर्निंग में ANN के थ्रू, गाइस मैं जो बता रहा हूँ, डीप लर्निंग में ANN के थ्रू हम दोनों चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। हम ANN से रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं और ANN से हम क्लासिफिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। समझ में आई चीज क्या कह रहा हूँ गाइस? मशीन लर्निंग में रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन आप लोग परफॉर्म करते थे, राइट?
और उसके लिए अलग अलग एल्गो थी, जैसे रिग्रेशन में लीनियर रिग्रेशन, जैसे रिग्रेशन में डिसीजन ट्री, जैसे रिग्रेशन में रैंडम फॉरेस्ट, जैसे रिग्रेशन में SVR सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे क्लासिफिकेशन में नेवेज, क्लासिफिकेशन में SVM, क्लासिफिकेशन में KNN, क्लासिफिकेशन में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन में डिसीजन ट्री, क्लासिफिकेशन में रैंडम फॉरेस्ट और भी कई ना। तो उन सब चीजों को हटा करके हम ANN को यूज भी कर सकते हैं, और ANN से मैं दोनों चीजें अचीव कर सकता हूँ। मैं ANN से यूज करते हुए रिग्रेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ, और ANN को यूज करते हुए मैं क्लासिफिकेशन को भी परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज। अब सबसे जो बेसिक मॉडल जिसको हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, बेसिकली इसका जो नेमिंग है न्यूरल नेटवर्क, वो हमारी ब्रेन की फंक्शनैलिटी से निकल के आया है। तो ब्रेन की फंक्शनैलिटी क्या है और वो कैसे यहाँ पे उसका हम एक तरह से कनेक्शन सेटअप कर रहे हैं या उसकी रिजेम्बलेंस एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वो ये है गाइस। देखो, समझो सब लोग, जो हमारा जो ब्रेन है, राइट, हमारा जो ब्रेन है, सो यहाँ पे तुमको ये हमारा जो ब्रेन है गाइज, जब भी एक तरह से यहाँ हम कुछ चीज देखते हैं, राइट, सो ये चीज यहाँ पे, लेट्स से कि मैंने यहाँ पे कोई इमेज देखी, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे कोई इमेज देखी, सो ये कोई बंदा है, लेट्स से, दिस इज द वन पर्सन। नाउ गाइस, ये क्या होगा कि जो हमारी आंख है उससे एक तरह से इसका क्या हो रहा है, हमारी आंख है जो कैमरा की तरह काम कर रही है, और इस आदमी की उसने फोटो खींची। अब ये जो फोटो है या एक तरह से जो डेटा एक तरह से है, ये डेटा हमारे ब्रेन में, राइट, हमारे ब्रेन में 5 डिफरेंट लेयर्स से गुजरता है। सो फर्स्ट लेयर है जिसने पहली बार डेटा को रीड किया, फिर उसके बाद वो डेटा नेक्स्ट लेयर पे पहुंचा, हर लेयर कुछ ना कुछ उस डेटा पे अपना कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगा रही है, राइट। सो फिर थर्ड स्टेज में पहुंचा, फिर फोर्थ स्टेज में पहुंचा, और फिफ्थ स्टेज में जाकर के, राइट, सो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड गाइज, this is fourth and this is the fifth. In the fifth stage, जाकर के final decision होता है कि who is in the image, right? Who is in the image? Last image जो है, जिसको हम एक तरह से output वाली layer कहते हैं. So guys, ये एक layer है. Layer क्या है? हमारे brain में क्या होते हैं? हमारे brain में होते हैं neurons, right? और neuron काम कैसे करते हैं? एक neuron कुछ काम करेगा, फिर अपना आउटपुट दूसरे न्यूरॉन को देगा, फिर तीसरा न्यूरॉन, फिर इस तरीके से चेन बनती है गाइस, ऐसे। सो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे से जब कंबाइंड करते हैं और साथ में काम करते हैं, तब जाके हमारी ब्रेन की कुछ फंक्शनैलिटी हो पाती है। एक सिंगल न्यूरॉन का कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं है, राइट, वो सिंगल न्यूरॉन कुछ नहीं कर पाता। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स जब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं इस तरीके से कि भैया मेरा आउटपुट तेरे लिए इनपुट की तरह काम करेगा, मेरा आउटपुट तेरे लिए इनपुट की तरह काम करेगा, उसी को हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो हर लेयर में, ब्रेन के अंदर हर लेयर में एक तरह से क्या है, न्यूरॉन्स हैं। वो न्यूरॉन्स डेटा को रीड करेंगे जो आंख ने जो एक तरह से कैप्चर करके दिया है, फिर उस पर कुछ प्रोसेसिंग होगी, फिर उसके बाद फिर वो नेक्स्ट स्टेज में वहां पे भी कुछ है, सो फिर स्टेट में कुछ ऐसे। तो फाइनली इस स्टेट में जाकर के, यहाँ पे जाकर के ब्रेन हमारा ये प्रिडिक्ट करता है कि हु इज इन द इमेज, क्या वो इमेज विशाल की है, क्या वो इमेज लमिश की है, क्या वो इमेज चंद्र प्रकाश की है, क्या वो इमेज अभिषेक की है, क्या वो इमेज दिनेश की है, राइट, या सपना है, या रिया है, लक्ष्य है, शुभम है, कौन है, राइट। तो इस तरीके से ये एक तरह से जो कॉन्सेप्ट न्यूरल नेटवर्क का निकल के आया है, वो हमारे ब्रेन की फंक्शनैलिटी से ही निकल के आया है गाइस। सो गाइस, बताइए क्या ये चीज, क्या ये क्लैरिटी अभी आप लोगों को बनी इस बारे में कि क्या हो रहा है? अब इस चीज को, लोकेश थोड़ा सा और वेट करो, अभी समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं है ना, मैं जब और थोड़ी सी और डिटेल बताऊंगा ना, अभी तो कहानी शुरू हुई है, मैंने अभी कहानी को खत्म नहीं किया है, अब मैं कहानी का स्टार्ट है, ये तो दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ दैट स्टोरी। सो गाइज, अब हम जिस बात पर फोकस करने वाले हैं वो है हम ANN की कुछ डिटेल्स के बारे में बात करें। सो वी विल अंडरस्टैंड कपल ऑफ डिटेल्स।
सो गाइस, सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं वो एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है गाइस, लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब एक एक करके मैं बहुत सारी डेफिनेशंस आज तुम लोगों को देने वाला हूँ, राइट? सो सुन के जाना है ध्यान लगा के, ठीक है? सो न्यूरल नेटवर्क इज अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब क्या है उसको समझ लीजिए। लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब होता है इस तरीके से कि सब ये एक लेयर है, ये एक लेयर है, ये एक लेयर है। डेटा इधर से जाता है इस आर्किटेक्चर में, यहां से डेटा फीड होता है, सो डेटा इनपुट यहां है। जो लेयर सबसे पहले डेटा को रीड करती है, राइट? सबसे पहले अब डेटा तो तुम जानते हो, डेटा में क्या होगा, फीचर होंगे, लेबल होंगे, सब लोग पता है अब तुम लोगों को डेटा में क्या चीज होती है, राइट? सो सबसे पहली लेयर जो डेटा को रीड करती है उस लेयर को कहते हैं इनपुट लेयर गाइस, दिस इज नोन एज इनपुट लेयर, ठीक है? और जो सबसे लास्ट वाली लेयर है वहां पे प्रेडिक्शंस परफॉर्म होते हैं, यहां होते हैं प्रेडिक्शन कि इमेज में कौन है, कैट है कि डॉग है, कि इमेज में एप्पल है या इमेज में ग्रीन लाइट है, या इमेज में रेड लाइट है, या इमेज में कार है, या इमेज में ट्रक है, या इमेज में फलाने सिंह जी हैं, या इमेज में ये दिख रहा है कि कोई ब्रेकर आ गया है, या इमेज में कुछ और बात चल रही है, या फिर लेह लद्दाख की या फिर किसी कारगिल की बात करें तो जो इमेज है क्या उसमें कोई मूवमेंट दिखाई दे रहा है मिलिट्री लोगों का, राइट? तो इस तरीके के बहुत सारे केसेस यहाँ पे हो सकते हैं। तो प्रिडिक्शन यहाँ पे हैपन होता है, जैसे प्रेडिक्शन करती है ना मशीन लर्निंग एल्गोरिथम की, रिग्रेशन में प्रेडिक्ट करेंगे, क्लासिफिकेशन में प्रेडिक्ट करेंगे, वो प्रेडिक्शन यहाँ होता है। और जैसा मैंने तुमको बता दिया था कि ANN में दोनों ही चीजें प्रेडिक्ट हो जाती हैं, ANN से मैं रिग्रेशन भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ गाइस, और ANN से मैं क्लासिफिकेशन भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, दोनों ही। वो बाद में बताऊंगा कि कैसे, कब रिग्रेशन होगा कब क्लासिफिकेशन होगा, उसके बारे में अभी आप चिंता मत करिए, बट अभी आप समझ लीजिए कि ANN से दोनों ही चीजें अचीव की जा सकती है, ठीक है? अब ये तो हो गई हमारी आउटपुट लेयर, मैं एक एक करके नाम देता जाऊंगा सबको, तो ध्यान रखने की जरूरत है, राइट? सो इनपुट लेयर जहां से जो पहली बार डेटा को पढ़ रहा है वो लेयर, और आउटपुट लेयर जहां पे फाइनली रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, जहां पे फाइनली प्रेडिक्शन हो रहा है वो आउटपुट लेयर, ठीक है? ये जो बीच की जो लेयर है वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है, फिलहाल इस एग्जाम्पल में मैंने एक ही लेयर दिखाई है बीच वाली, ये जो बीच वाली लेयर है वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है, इस लेयर को कहते हैं गाइज हिडन लेयर, दिस लेयर इज नोन एज हिडन। इसको क्या बोलेंगे? हिडन लेयर कहेंगे, राइट? और किसी भी न्यूरल नेटवर्क में एक से लेकर के, दो से लेकर के, पांच से लेकर के, दस से लेकर के सैकड़ों हिडन लेयर्स हो सकती हैं गाइस। जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतना ही न्यूरल नेटवर्क डीप कहलाता है। सो डीप न्यूरल नेटवर्क का मतलब क्या है कि साहब इसमें तो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स ज्यादा है, बट एक और चीज ध्यान देने की जरूरत है, जितनी ज्यादा हिडन लेयर्स होंगी उतना ही तुम्हारा मॉडल या उतना ही तुम्हारा न्यूरल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, ज्यादा मेमोरी की डिमांड करेगा, ज्यादा प्रोसेसिंग की डिमांड करेगा, और हो सकता है लोकल मशीन पे सही ढंग से चले ही नहीं, राइट? सो हमें देखना पड़ता है, तो इसलिए अननेसेसरी कभी भी हिडन लेयर्स यूज नहीं करते हैं, जरूरत जितनी है उतनी ही हिडन लेयर्स यूज करते हैं। वो बाद में बताएंगे कि कैसे ऐड कर सकते हैं कैसे नहीं करेंगे, वो समझ लीजिए। तो गाइस, क्या ये चीज समझ में आई कि न्यूरल नेटवर्क एक लेयर्ड आर्किटेक्चर है, और लेयर्ड आर्किटेक्चर का मतलब ये है कि डेटा इस लेयर ने पढ़ा, फिर इस लेयर ने इस लेयर को दिया, राइट? वो इस पर कुछ प्रोसेसिंग करेगी, फिर इस लेयर से डेटा नेक्स्ट लेयर, मतलब स्किप नहीं कर सकता, इस लेयर का डेटा इस लेयर को ही मिलेगा, इस लेयर का डेटा डायरेक्टली इस लेयर को नहीं जा सकता, किसी भी लेयर को बीच में स्किप नहीं किया जा सकता है, राइट? सो ये हमारा डेटा इस तरीके से मूव होता है और फाइनली हमें प्रेडिक्शन ऐसे मिलते हैं। तो गाइज, क्या लेयर्ड आर्किटेक्चर, क्या इनपुट लेयर, क्या हिडन लेयर, क्या आउटपुट लेयर, क्या ये चीज आपको अब क्लियर हुई? प्लीज मुझे एक बार चैट विंडो में कंफर्मेशन दें। लोकेश, आप थोड़ा समझ में आया क्या बोल रहा था मैं? ओके, वेरी गुड गाइस। ओके, नाउ अब हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना चाहिए गाइस, अब हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे चलना चाहिए। वो स्टेप क्या है?
अब हमें यह देखना चाहिए कि इन लेयर्स के अंदर है क्या चीज, राइट इन लेयर्स के अंदर है क्या चीज, उस पर फोकस करते हैं गाइस। इन लेयर्स के अंदर मैंने जैसे बोला था कि भाई लेयर्स के अंदर बेसिकली होते क्या है, न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे ब्रेन की हम बात कर रहे थे, राइट। सो गाइस अब मैं किसी एक स्पेसिफिक लेयर की बात कर रहा हूं। सो मैंने आपको तुमको बता ही दिया कि सब तुम्हारी इनपुट लेयर होगी, तुम्हारी हिडन लेयर होगी, हिडन लेयर एक से ज्यादा हो सकती है, और फाइनली तुम्हारी आउटपुट लेयर होगी। ये चीज तुमको मैंने बता दी। अब हम किसी भी लेयर की बात करें, किसी भी लेयर की बात कर लीजिए, हर लेयर में न्यूरॉन्स होते हैं गाइस, और एक्चुअली उन न्यूरॉन्स को अब आगे से हम कहेंगे नोड। क्या कहेंगे उनको? नोड कहेंगे। सो लेट्स से ये एक नोड हो गया, नोड का मतलब न्यूरॉन ही समझें गाइस, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, ये एक नोड हो गया, लेट्स से ऐसे, ठीक है। नोड क्या चीज है उसको हम लोग एक तरह से ये देखेंगे कि वो सबसे एलिमेंट्री प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है गाइस? एलिमेंट्री प्रोसेसिंग यूनिट, वो एक प्रोसेसिंग यूनिट है, आप ऐसे समझ लीजिए आप, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारी इनपुट लेयर हो गई, ठीक है, और हमारे पास एक डेटा है, मान लीजिए एक डेटा है, कुछ डेटा स्टूडेंट्स का है, तो जिसमें उस डेटा में क्या लिखा हुआ है कि सब एज है, ओके, उस डेटा में क्या लिखा हुआ है कि सब, उस डेटा में लिखा हुआ है सब जेंडर, ओके, उस डेटा में क्या लिखा हुआ है कि सब कौन सा सेमेस्टर है, ओके, उस डेटा में लिखा हुआ है कि सब उसका कम्युनिकेशन का लेवल कितना है, उस डेटा में लिखा हुआ है कि उसका कम्युनिकेशन लेवल के साथ साथ एक तरह से और मान लेते हैं कि एक और चीज लिखी हुई है उसकी कुछ ये बोल देते हैं कि वो लोकेशन क्या है फॉर एग्जाम्पल। सो गाइज उस डेटा में क्या क्या फीचर हैं? एक फीचर तो एज है, एक फीचर जेंडर है, एक फीचर सेमेस्टर है, एक यू नो एक कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा है, एक लोकेशन, ये टोटल पांच फीचर हैं। तो इनपुट लेयर में गाइज उतने ही नोड रखने पड़ते हैं जितने हमारे डेटा के अंदर फीचर हैं। so, उससे क्या होगा कि जैसे एज एक फीचर है तो उसको कौन रीड करेगा? ये वाला नोड रीड करेगा, पहला नोड। जेंडर को कौन रीड करेगा? नेक्स्ट नोड। सेमेस्टर को कौन रीड करेगा? इस कम्युनिकेशन स्किल्स को कौन रीड करेगा? ये, और एक और नोड डाल देते हैं तो यहाँ पे एक नोड आ गया जो कि उस लोकेशन को ऐड करेगा। सो गाइज इस इनपुट लेयर में कितने नंबर ऑफ नोड्स कितने हो गए? नंबर ऑफ नोड्स हो गए 5। और ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसी भी इनपुट लेयर में कितने नोड या कितने न्यूरॉन होने चाहिए? ये डिसाइड होगा तुम्हारे डेटा सेट से। अगर डेटा सेट में 100 फीचर हैं, मतलब 100 कॉलम हैं, हर कॉलम को एक फीचर माना जाता है, राइट, एक्सेप्ट वन कॉलम जो कि लेबल हो सकता है, राइट। सो गाइस जितने भी नंबर ऑफ फीचर्स तुम्हारे डेटा में हैं, तुम्हें अपनी इनपुट लेयर में उतने ही नोड्स रखने पड़ते हैं। तो जैसे हमारे केस में हमारे डेटा में कौन कौन से फीचर हैं? एज है, यू नो जेंडर है कि मेल है या फीमेल है, या सेमेस्टर कौन सा है, या कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, या लोकेशन उसकी कहाँ का है, कैसे है। तो ऐसे अगर ये 5 डेटा रीड करने हैं तो इनपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए? 5 नोड होने चाहिए। ये तो पहला डिसीजन हुआ, ठीक है गाइस। अब हम मान लीजिए बात करें कि सब हिडन लेयर में, हिडन लेयर में लेट्स से मान लो, अभी मान कुछ मानने की कह रहा हूं मैं, हिडन लेयर में मान लीजिए कि साहब आपने 3 नोड रखे, और ऐसे ही आउटपुट लेयर में आपने लेट्स से 1 नोड रखे, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है कि इस नोड का जो पहला नोड है हमारी इनपुट लेयर में, इस नोड का जो आउटपुट होगा गाइस, समझिए, इस नोड का आउटपुट इस नोड को भी जाएगा, इस नोड का आउटपुट इस नोड को भी जाएगा, और इसका इसको भी जाएगा। देखिए इसका आउटपुट तीनों नोड के लिए इनपुट जा रहा है। सिमिलरली इसका आउटपुट यहां तक भी जाएगा, यहां को भी जाएगा, और यहां को भी जाएगा। सिमिलरली इसका आउटपुट इसके भी पास, इसके भी पास, इसके भी पास, राइट, इसका आउटपुट इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसका आउटपुट यहां पे भी, यहां पे भी, और यहां पे भी। ऐसे कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है गाइस।
जहां पे ध्यान दीजिए, जहां पे प्रीवियस नोड के प्रीवियस लेयर के हर नोड का आउटपुट नेक्स्ट लेयर के हर नोड में एज ए इनपुट काम करता है, इसी चीज को हम लोग कहते हैं डेंस या फुली कनेक्टेड। क्या बोलते हैं इसको गाइस? डेंस या फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्टेड का मतलब सिंपली यही समझ लीजिए कि भैया अगर ये मेरा नोड है तो इसका आउटपुट नेक्स्ट लेयर के नोड के लिए इनपुट की तरह काम करेगा। तो इसका यहाँ पे भी, तो इसीलिए इसको फुली कनेक्टेड। देखिए अब सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कोई भी किसी ने मिस नहीं किया, इसको डेंस या फुली कनेक्टेड कहते हैं। ओके, सो ये चीज ऐसे ही, अब यहाँ पे देखो इसका आउटपुट इस पर भी जाएगा, इसका आउटपुट भी इस पर जाएगा और इसका आउटपुट इस पर जाएगा। अगर हाँ लेट से दो नोड होते तो क्या होता, तो इसका आउटपुट भी यहाँ जाता, इसका यहाँ पे भी जाता और इसका भी जाता। इस तरीके से ये कहलाता है फुली कनेक्टेड या डेंस नेटवर्क। ये देखो गाइस, अब मैंने क्या क्या समझा दिया आपको, पहले मैंने समझाया था कि सब न्यूरल नेटवर्क में लेयर्ड आर्किटेक्चर होता है। लेयर्ड आर्किटेक्चर्स में भी मैंने आपको बताया कि भाई हर लेयर का आउटपुट नेक्स्ट लेयर के लिए इनपुट की तरह काम करता है, ठीक है। फिर मैंने कुछ नेमिंग कन्वेंशन तुमको दिए थे कि कौन इनपुट लेयर कहलाएगा, कौन आउटपुट लेयर कहलाएगा, कौन हिडन लेयर कहलाएगा। फिर उसके बाद मैंने तुमको बताना चालू किया कि अगर अब हम किसी एक लेयर पे फोकस करें तो हर लेयर के अंदर क्या होंगे, नोड्स होंगे, राइट। और वो नोड कैसे डेटा को रीड कर रहे हैं वो भी मैंने तुम्हें समझाया कि इनपुट लेयर में नंबर ऑफ नोड्स इस बात पर डिसाइड होते हैं कि नंबर ऑफ फीचर्स कितने तुम्हारे डेटा में। अगर 100 फीचर हैं तो 100 नोड पढ़ने पड़ेंगे, 1000 फीचर हैं तो 1000 नोड रखने पड़ेंगे, इस तरीके से। और फिर वो डेटा प्रोपोगेट या आगे कैसे मूव हो रहा है उसके बारे में भी मैंने समझाया तुमको कि डेटा का जो मूवमेंट है वो सिंपल है कि भाई हर नोड का आउटपुट नेक्स्ट लेयर के नोड के लिए एज ए इनपुट काम करेगा। ये एक पूरा आर्किटेक्चर या एक पूरा कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रहा है। अब देखो, अब मैं एक एक स्टेप करके चल रहा हूँ। पहले तो मैंने लेयर्स की बात की, मैंने फिर ये बताया कि सब कैसे डेटा जो है मूव होगा, कैसे डेटा प्रोसेस होगा। फिर मैंने तुमको बताया कि अब थोड़ा सा अंदर चलते हैं, तो फिर मैंने तुमको अंदर की कनेक्शंस के बारे में बताया, राइट। और अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि अगर हम फोकस करें एक सिंगल नोड के ऊपर, तो एक नोड क्या है, मैंने आपको बोला था कि सर वो एक एलिमेंट्री या बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट है नोड, जिसको न्यूरॉन भी कहते हैं, राइट, या कई बार इसको लोग परसेप्ट्रॉन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको गाइस? हमने इसका नाम नोड भी दे दिया है, न्यूरॉन भी दे दिया। न्यूरॉन इतना यूज नहीं बोलते हैं बोलते टाइम, या तो नोड बोलते हैं या फिर इसको बोलते हैं परसेप्ट्रॉन। क्या बोलेंगे गाइस? परसेप्ट्रॉन कहते हैं इसको। तो कोई भी जो नोड है या परसेप्ट्रॉन है, एक सिंगल नोड की अगर मैं बात करूं गाइस, अगर मैं थोड़ा सा जूम करूं कि सिंगल नोड कैसा है, राइट, हाउ अ सिंगल नोड लुक्स लाइक, तो वो ऐसा है गाइस, ये सिंगल नोड है। हर सिंगल नोड में एक इनपुट होता है, जैसा तुमको दिख ही रहा होगा, एक आउटपुट होता है। हर नोड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम वेट कहते हैं, हर नोड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बायस कहते हैं। दो प्रॉपर्टी, एक तो वेट हो गया उसका कि वेट कितना है, एक हो गया उसका बायस, ठीक है। और हर नोड के पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन फंक्शन गाइस, यू नो एक्टिवेशन फंक्शन। अब ये जो पांचों चीजें हैं वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं उसको समझ लीजिए। आउटपुट हमेशा किसके बराबर होगा? आउटपुट हमेशा बराबर होगा जहां पे हमने इनपुट को वेट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। आई स्टैंड्स फॉर इनपुट गाइस, सो ये आई है, ये डब्ल्यू है, ये बायस है। सो इनपुट मल्टीप्लाइड विद वेट एंड देन यू हैव बायस। ये जो आउटपुट है, ये जो रिस्पॉन्स है, इसको आप किस में पास कर देंगे? एक्टिवेशन फंक्शन में पास कर देंगे। ये फाइनल इक्वेशन होती है किसी भी नोड की गाइस। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? एक्टिवेशन फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन इनको कहते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, और जैसे किसी भी फॉर्मूला में हमने कोई वैल्यू डाली और फिर कुछ आउटपुट हमें मिल गया, तो वैसे ही कुछ ये करते हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा और डिटेल में बाद में बताऊंगा गाइस। अभी फिलहाल आपको समझने की जो जरूरत है नेक्स्ट स्टेप में, मैंने क्या बोला कि देखो हम पहले लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझे, लेयर्स का नाम दिया। अब किसी भी एक लेयर के अंदर चले जाओ तो अंदर नोड मिलेंगे, हर नोड का कनेक्शन मैंने आपको समझाया, फुली कनेक्टेड या डेंस को कहते हैं। और अब मैं एक सिंगल नोड की बात कर रहा हूँ कि हर सिंगल नोड के पास पांच चीजें होती हैं। उसके पास इनपुट होता है, उसके पास आउटपुट होता है, उसके पास एक वेट होता है। वेट एक मैथमेटिकल नंबर है,
बायस होता है वो भी एक मैथमेटिकल नंबर है, राइट, फ्लोटिंग नंबर, राइट। एंड एक एक्टिवेशन फंक्शंस होता है जैसे मैपिंग फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन भी कहते हैं। और किस तरीके से आउटपुट डिसाइड होता है, आउटपुट डिसाइड होता है इनपुट को वेट से मल्टीप्लाई करो, उसमें बायस को ऐड कर दो, ठीक है, और वो जो चीज निकल के आ रही है उसको एक्टिवेशन फंक्शन के साथ, यू नो, सो ये चीज आप, वेट कितना होगा, बायस कितनी होगी, ये अभी तुम ज्यादा मत सोचो, इसके बारे में मैं समय आने पर सब बता दूंगा। अभी वेट कैसे डिसाइड होगा इसकी कहानी हम थोड़ा सा अभी बाद के चैप्टर्स में या बाद थोड़ी स्टोरी जब आगे बढ़ जाएगी मेरी उसमें बताऊंगा कि वेट कैसे डिसाइड होते हैं गाइस, यू नो, वेट कैसे ऑप्टिमाइज होते हैं या वेट कैसे डिसाइड होते हैं। अभी जो मैं फिलहाल बेसिक चीजों को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको फोकस करिए, अगर आप वो एक बार समझ गए तो फिर डीप लर्निंग को समझना आसान होगा दिनेश, ठीक है, ये चीज यहाँ पे हुई है। ओके, नाउ गाइस, अब हम, मैंने आपको ये बता दिया कि इनपुट लेयर में कितने नंबर ऑफ नोड्स होते हैं, इनपुट लेयर में नंबर ऑफ नोड्स का डिसीजन हमेशा और हमेशा इस बात से डिसाइड होगा कि कितने नंबर ऑफ फीचर्स हैं इन योर डेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटपुट लेयर में कितने नोड होने चाहिए भाई, अब क्योंकि नोड मालूम चल गया ना तुम्हें, नोड क्या होते हैं, तो नोड अब तुम्हें मालूम चल ही गया है कि सब नोड जो होता है उसमें वेट होता है, वायस होता है, इनपुट होता है, आउटपुट होता है, एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। अभी हम एक्टिवेशन फंक्शन के बारे में ज्यादा नहीं जानते, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, वेट के बारे में भी ज्यादा नहीं जानते, बट एक मैथमेटिकल नंबर है ये बता दिया है, फ्लोटिंग नंबर होगा, वॉइस भी एक नंबर है वो भी बता दिया है कि सब एक मैथमेटिकल नंबर होगा, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है वो भी मैंने आपको बता दिया है, इंटरनल डिटेल्स आने वाले टाइम में पता चलेंगे, ठीक है। नाउ गाइज, अब हम जिस नेक्स्ट स्टेप को लेने वाले हैं वो ये बताने वाला है कि सब आउटपुट लेयर जो है, मैंने आपको इनपुट लेयर के बारे में तो बता ही दिया कि सब इनपुट लेयर की बात करें और उसमें हम नंबर ऑफ नोड्स की बात करें तो नंबर ऑफ नोड्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट। ये कहानी तो खत्म हो गई है, ठीक। अब हम जिसकी बात करेंगे वो ये है कि अब हम आउटपुट लेयर की बात करेंगे, ठीक है। अब आउटपुट लेयर की अगर हम बात करें, राइट, आउटपुट लेयर की अगर हम बात करें तो आउटपुट लेयर लेट से ये है, इसमें कैसे डिसाइड होता है कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, राइट, हाउ टू डिसाइड, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ डीप लर्निंग का गाइस, 6 महीने बाद भी हवा नहीं लगेगी तुम्हें ये क्या हुआ है, इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना, और समझ में नहीं आए एक बार में तो कोई बात नहीं, वीडियो दोबारा देखना और तब तक देखते रहो जब तक पूरा समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। सो गाइज, अब हम बात करेंगे कि नंबर ऑफ नोड्स आउटपुट लेयर में कितने होते हैं। अब गाइज ये प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है, वो प्रॉब्लम ही तुम्हें बताएगी कि आउटपुट लेयर में नोड कितने होने चाहिए, ठीक है। अब प्रॉब्लम है क्योंकि सुपरवाइज डीप लर्निंग ही पढ़ रहे हैं हम, एनएन सुपरवाइज डीप लर्निंग का ही पार्ट है, तो गाइज अब ये डिसाइड करें करना पड़ेगा कि अब हम रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। अगर तुम रिग्रेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इफ इट इज ए रिग्रेशन प्रॉब्लम, कि तुम्हें सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, तुम्हें हाइट प्रिडिक्ट करना है, तुम्हें आईक्यू प्रिडिक्ट करना है, राइट, तुम्हें कुछ नंबर प्रिडिक्ट करना है जिसको रिग्रेशन कहते हैं, रिग्रेशन अगर प्रिडिक्ट करना है तो सिंगल नोड इज एनफ, एक नोड काफी है। नंबर ऑफ नोड कितने, अगर रिग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, अगर ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो नंबर ऑफ नोड्स इन द आउटपुट लेयर इज ऑलवेज वन, फिक्स है ये, अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो, ठीक है। अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है गाइस तो दो डिसीजन लेते हैं, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है तो बाइनरी क्लासिफिकेशन है या मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है, राइट। बाइनरी का मतलब है कि हमारे डेटा में सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, जैसे कैट या डॉग हो गए, एप्पल या मैंगो हो गए, ठीक है, या फिर मेल या फीमेल हो गया, राइट, या फिर यू नो लेट्स से ये हो गया कि कार है वो
कौन सी वाली कार है, राइट right? जैसे दो कार है या ट्रक है, जैसे ऐसे मान लिया. सो ये जहां पर भी दो, या मूवी फ्लॉप है या हिट है, राइट right? ऐसी चीजें बाइनरी क्लासिफिकेशन कहलाती हैं. ये डेटा में सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं, दो ही क्लासेस हैं, लेबल सिर्फ दो ही टाइप का है, ठीक है. उस केस में तो गाइस सिंगल नोड से ही काम चल जाएगा, राइट right? सिंगल नोड से ही काम चल जाएगा, ठीक. अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है गाइस, इसका मतलब दो से ज्यादा क्लासेस हैं, तो इस केस में नंबर ऑफ नोड्स is always equal to number of categories or number of classes. Guys, देखो बहुत क्लियर मैंने बता दिया तुमको. अगर regression है तो single node काफी है, अगर binary classification है तो भी single node काफी है, अगर multi-class classification है तो number of nodes, number of category या classes के साथ होंगे. एक और चीज ध्यान दे लीजिए guys, अगर हम regression perform कर रहे हैं तो output layer में single node और वहां पे किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत नहीं होती है. सो नो एक्टिवेशन फंक्शन गाइस रिग्रेशन के केस में. गाइस व्हाट आई एम टेलिंग यू, रिग्रेशन के केस में हम कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते हैं आउटपुट लेयर पे, लेकिन बाकी की लेयर्स पे लगेगा रिग्रेशन के केस में भी. सिर्फ मैंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर रिग्रेशन प्रॉब्लम है तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट लेयर पे कोई भी एक्टिवेशन नहीं लगेगा. ओके okay? अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो आउटपुट लेयर में जो एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा वो कहलाता है सिग्मॉइड. सिर्फ नाम बता रहा हूं, घबराना मत अगर पहली बार सुन रहे हो तो, और हो सकता है सुन भी चुके हो, ठीक है. और यहां पे जो एक्टिवेशन फंक्शन लगेगा अगर ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो वो कहलाता है सॉफ्ट मैक्स. ये सिर्फ नाम है गाइज, मैं तुम्हारे दिमाग में कुछ चीजें रजिस्टर कर रहा हूँ, इनकी डिटेल अभी मैंने बताई भी नहीं है तुम्हें. समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ गाइज? सो गाइज हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम पहली डिस्कशन तो ये किया था कि सब नंबर ऑफ नोड्स इन द इनपुट लेयर कितने होने चाहिए, वो तो बहुत स्ट्रेट था कि सब नंबर ऑफ नोड इन द इनपुट लेयर इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ फीचर्स इन द डेटा सेट. थोड़ा कॉम्प्लेक्स सीन कहाँ बना है जब हम आउटपुट लेयर की बात करें, कि सब आउटपुट लेयर में कैसे डिसाइड करूं कि मुझे कितने नोड रखने हैं, राइट right? किसी भी डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क को हम आराम से कॉन्फिगर कर पाएंगे गाइस. हम डिसाइड कर सकते हैं कितनी लेयर लगानी है, कितने नोड लगाने हैं, क्या लगाना है, कौन सा एक्टिवेशन लगाना है, नहीं लगाना, वो सब हम डिसाइड कर सकते हैं. सो गाइस आउटपुट लेयर में कौन सा कितने नंबर ऑफ नोड होने चाहिए वो मैंने तुमको बताया कि पहले प्रॉब्लम को समझो. रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन है तो एक ही नोड काफी है और किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन की वहां पर जरूरत नहीं है, राइट right? अगर क्लासिफिकेशन है तो फिर से सोचो कि वो क्लासिफिकेशन जो है गाइस बाइनरी क्लासिफिकेशन है या मल्टी क्लास है. बाइनरी है तो फिर वहां पे भी एक ही नोड से काम चल जाएगा, लेकिन इस बार एक्टिवेशन लगाना पड़ेगा. रिग्रेशन के केस में नोड भी एक था लेकिन एक्टिवेशन नहीं था. बाइनरी क्लासिफिकेशन केस में नोड एक है लेकिन एक्टिवेशन भी है. कौन सा एक्टिवेशन है? सिग्मॉइड है. मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में नंबर ऑफ नोड्स आर ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ क्लासेस, ठीक है, और वहां पर जो एक्टिवेशन लगेगा वो लगेगा सॉफ्ट मैक्स. अब बची बात सिर्फ और सिर्फ कौन सी लेयर की, कि सब हिडन लेयर के क्या हालात हैं. हिडन लेयर, सो गाइस अगर हम हिडन लेयर की बात करें तो वहां पे भी नंबर ऑफ नोड्स का डिसीजन कैसे होता है उसको समझिए गाइस, राइट. गाइस हिडन लेयर में नंबर ऑफ नोड्स फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड. जैसे हमने फिक्स नंबर ऑफ नोड्स इन इनपुट लेयर पता कर लिए, फिक्स नंबर ऑफ नोड्स इन द आउटपुट लेयर पता कर लिए, लेकिन हिडन लेयर में कितने नोड होंगे वो फिक्स नहीं है. ओके okay? इसका एक रेंज होता है वो आप समझ लीजिए, कि नंबर ऑफ नोड्स इन द हिडन लेयर आर अराउंड 2/3 ऑफ नोड्स इन इनपुट लेयर प्लस नोड्स इन आउटपुट लेयर. गाइस समझ में आ क्या कह रहा हूं, इसके आसपास होने चाहिए, इसीलिए मैंने बराबर का साइन लगाया, यू नो आसपास. कितना आसपास? कि जितने नंबर ऑफ नोड्स इनपुट लेयर हैं उसका 2/3 निकाल दो और वो जो वैल्यू है उसको किसमें ऐड कर दो, नंबर ऑफ नोड्स इन द आउटपुट लेयर. तो वो एक नंबर आएगा जो बताएगा कि आप इतने नोड रख सकते हैं. और हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी हिडन लेयर में नंबर ऑफ नोड्स, यू नो नंबर ऑफ नोड्स इन द इनपुट लेयर से डबल नहीं होने चाहिए. सो इट शुड बी ऑलवेज less than or equal to twice of nodes in input layer. Nodes in input layer. मतलब ये अपर लिमिट है लेकिन
आसपास इसके होना चाहिए। गाइस अब मुझे बताइए, जो मैंने चर्चा पिछले 10-15 मिनट में की है, जिसके बारे में मैं ये बताना चाह रहा था कि हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ नोड कितने रखूं लेयर में। तो इनपुट लेयर के बारे में बता दिया मैंने, आउटपुट लेयर के बारे में भी बता दिया, और अब मैंने हिडन लेयर के बारे में भी बता दिया। इनपुट लेयर आउटपुट लेयर में तो फिक्स निकलता है, उसमें कभी भी कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन नंबर ऑफ यू नो हिडन लेयर्स गाइस, नंबर ऑफ हिडन लेयर के अंदर कितने नोड होंगे ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हो। अंदाजा लगाने के लिए मैंने एक फॉर्मूला दे दिया है कि आपके हिडन लेयर में नंबर ऑफ नोड्स इस बात से डिसाइड होते हैं कि इनपुट लेयर में कितने नोड हैं, तो उसका 2/3 निकाल लो, और वो जो वैल्यू आ रही है उसमें और क्या ऐड कर दो, नंबर ऑफ आउटपुट नोड्स, तो वो एक नंबर मिल जाएगा तुम्हें कि भाई मैं इतने नोड रख सकता हूं हिडन लेयर में, और वो काउंट कभी भी नंबर ऑफ नोड्स इन द हिडन लेयर कभी भी इनपुट लेयर के नोड्स के डबल से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर इनपुट लेयर में 5 नोड हैं तो हिडन लेयर में कभी भी 10 से ज्यादा नोड नहीं रखने, मतलब डबल से ज्यादा कभी भी नहीं रखने। सो गाइस अब हम थोड़ा सा आगे की और अभी इसमें चर्चा करने वाले हैं। सो ब्रेक से पहले हम नंबर ऑफ नोड्स के बारे में यू नो मोटा मोटा यू नो काम कर चुके थे, और हम ये देख चुके थे कि कौन सी लेयर में कि कौन सी लेयर में हम कितने नोड रखेंगे। ठीक है, अब हम एक और चीज ध्यान देने वाली चीज है कि अब हमारे पास गाइस ये इनपुट लेयर हो गई, ये हिडन लेयर हो गई, ये आउटपुट लेयर हो गई। ठीक है, इनपुट लेयर, हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे, उसके बारे में अब हमें पता है। राइट, सो यहाँ पे अब तुमको मैंने बता दिया था कि सब नंबर ऑफ नोड्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ फीचर्स। राइट, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि सब रिग्रेशन है तो एक से काम चल जाएगा, नो एक्टिवेशन फंक्शन, अगर क्लासिफिकेशन है बाइनरी क्लासिफिकेशन है तो एक से काम चल जाएगा, सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, अगर मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन है तो क्या चलेगा, नंबर ऑफ कैटेगरीज या नंबर ऑफ क्लासेस जितना ही होना चाहिए नंबर ऑफ नोड्स, और कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन, सॉफ्ट मैक्स। हिडन लेयर के बारे में तुम्हें बताई दिया था कि दैट शुड बी अ नंबर अराउंड 2/3 ऑफ योर इनपुट लेयर नोड्स और उसमें आउटपुट नंबर ऑफ यू नो आउटपुट लेयर नोड्स को भी ऐड करना, ये चीज। ठीक है, एक और चीज ध्यान दीजिए गाइस, हिडन लेयर पे, हिडन लेयर के केस में हम ज्यादातर केस में जो एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं रेलू। तो गाइज मैंने अभी तक 3 एक्टिवेशन फंक्शंस का नाम लिया तुम्हारे लिए, कौन कौन से, एक एक्टिवेशन फंक्शन तो सिग्मोइड बता दिया मैंने तुम्हें, वो अंदर कैसे काम करता है वो अभी नहीं बताया बट नाम दे दिया सिग्मोइड। दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा, सॉफ्ट मैक्स, और तीसरा कौन सा, रेल। सिग्मोइड और सॉफ्ट मैक्स का काम तो कहां पर है, सिग्मोइड और सॉफ्ट मैक्स का काम है आउटपुट लेयर में, और सिग्मोइड का काम है बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, सॉफ्टमैक्स का काम है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए, हिडन लेयर पे रेल। गाइस जो इनपुट लेयर होती है उसमें हम कोई एक्टिवेशन फंक्शन नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। इनपुट लेयर का काम है सिर्फ और सिर्फ डेटा को रीड करना, डेटा रीड, डेटा कलेक्ट कर लिया उसको नेक्स्ट लेयर में पहुंचा दिया तो यहां से वहां चला गया ऐसे। सो गाइस अब क्लियर हो जानी चाहिए पिक्चर, नो एक्टिवेशन फंक्शन, नंबर ऑफ नोड्स का डिसीजन नंबर ऑफ फीचर्स के बेस पर, हिडन लेयर में कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, इसका मतलब इसके अंदर जितने भी नोड्स हैं वो सभी एक ही एक्टिवेशन फंक्शन को फॉलो करेंगे, अलग अलग नहीं होते हैं। अगर इसमें 3 नोड हैं तो तीनों में कोई भी एक्टिवेशन नहीं लगेगा इनपुट लेयर में, अगर इसमें 2 नोड हैं आउटपुट लेयर में और आपने सिग्मोइड लगा दिया है
तो दोनों पर ही सिग्मॉइड लगेगा। सो इस तरीके से है गाइस, राइट। सो मैं यहाँ रेलू लेयर की कह रहा हूं कि इस लेयर पर रेलू लगाना है, इसका मतलब इस लेयर के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सब पे क्या लगाना है, रेलू ही लगेगा गाइस। ये एक कहानी है, ठीक है। तो अब ये मोटा मोटा एक चीज हो गई। अब हम एक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं और वो कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देने की जरूरत है गाइस। यू नो अभी हम पूरा न्यूरल नेटवर्क के बेसिक्स पे ही फोकस करने वाले हैं, ठीक है। नाउ गाइस लेट्स फोकस ऑन समथिंग यू नो अ न्यू। नाउ सी एक गेम की चर्चा करेंगे गाइस। आई एम नाउ गोइंग टू टॉक अबाउट अ गेम, ठीक है। वो गेम क्या है, इंटरेस्टिंग है, उसको जरा देखो क्या है। सो सी मान लीजिए गाइस मेरे घर में एक टेबल है, ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल लगी हुई है यहाँ, और मैं अपनी डॉटर के साथ क्या साथ में कुछ खेल रहा हूँ, मुझे गेम खेलना है उसके साथ, और वो गेम कुछ इस तरीके से, उसको समझना सब लोग है ना क्या है वो गेम। गेम ये है कि गाइस ये यहाँ पर हमारी एक बॉल रखी हुई है, मार्बल, छोटा कंचा होता ना गांव में, तुम छोटे रहे होंगे जब खेला होगा तुमने, ठीक है। ये मार्बल बॉल है, मार्बल है, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पे कुछ हमने क्या किए, कार्डबोर्ड्स लगाए हैं। तो एक कार्डबोर्ड ये है, गत्ता जिसको कहते हैं ना, कार्डबोर्ड ये रहा। सो एक ये कार्डबोर्ड है, ऐसे रखे हुए हैं यहाँ पे खड़े हो गए। तो ये कार्डबोर्ड, गेम ऐसा है गाइस कि मुझे या मेरी डॉटर को यहां से इस कार्डबोर्ड को धक्का देना है, पुश करना है थोड़ा सा, ठीक है। उससे क्या होगा, ये कार्डबोर्ड इस कार्डबोर्ड पर गिरेगा, ये गिरेगा तो ये फिर इस पर गिरेगा, ये गिरेगा तो इसका काम है कि यार ये किसी भी तरीके से मेरी यू नो इस बॉल को हिट कर जाए, और बॉल को हिट करने से ये यहां से गिर जानी चाहिए। तो मेरा गोल या मेरा टारगेट क्या है, मेरा गोल या टारगेट ये है कि आई वॉन्ट टू हिट द बॉल, राइट, हिट द बॉल, ये मेरा टारगेट है। अब जब मैंने पहली बार पुश किया गाइस, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं, मैंने जब फर्स्ट टाइम पुश किया, ठीक है, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम पुश किया गाइस, राइट, सी उसके बाद यहां से ये गिरा, उसके बाद ये गिरा, और ये गिरते गिरते क्या हुआ गाइस, यहां पर अटक गया, गिर गया है ये कार्डबोर्ड, लेकिन ये यहीं रह गया। यहीं रहने का मतलब क्या है, ये कुछ दूरी से यू नो हिट करने से पहले कुछ दूरी पर वो जाकर के गिर गया। इसका मतलब हम अपने एक्टिविटी में फेल हुए, हम सक्सेसफुल नहीं रहे। F stands for fail, guys, we were not able to hit the target, right? अब हम क्या करेंगे, कह रहा अच्छा टारगेट हिट नहीं कर पाए हैं तो कोई बात नहीं, इस काम को करते हैं, थोड़ा सा इस कार्डबोर्ड को आगे शिफ्ट कर देता हूं मैं। सो इस कार्डबोर्ड को थोड़ा मैंने डेल्टा एक्स से शिफ्ट कर दिया गाइस, तो वह कार्डबोर्ड अब यहां आ गया। अब क्या होगा, जब इस कार्डबोर्ड को शिफ्ट कर तो अब ये वाला कार्डबोर्ड इसको हिट नहीं कर पाएगा, तो अब इसका मतलब है इसको भी थोड़ा सा यू नो शिफ्ट करो आगे, और अब इसको शिफ्ट किया है तो करस्पॉन्डिंगली इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। तो सब जगह शिफ्ट हुआ है थोड़ा सा, राइट। और फिर से हमने ट्राई किया, सो फिर से ट्राई किया, तो मैंने फिर से दोबारा पुश किया कार्डबोर्ड को, और फिर लगा वो फिर से यहां पर आके रह गया, थोड़ा सा आगे तो गिरा है लेकिन पूरा नहीं गिरा है, तो अभी भी फिर से फेल हो गए हम। फिर हमने तीसरा अटेम्प्ट ये किया कि यार चलो ठीक है, और थोड़ा सा कार्डबोर्ड को और शिफ्ट करते हैं, इसको भी शिफ्ट करते हैं, इसको भी, तो ऐसे करके फाइनली अब मैंने तीसरे बार में जाके किया, तो अब आई वॉज एबल टू हिट द टारगेट, सो आई वॉज सक्सेसफुल इन टू दैट। क्या समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं, कि हमने कैसे अपने टारगेट को अचीव किया इस गेम में। अब इस गेम को समझ गए होंगे तुम कि यार ये गेम एक्चुअली क्या है। अब तुम समझो ये जो पुश है मेरा, ये तो हो गया मेरा डेटा, ठीक है, और ये जो कार्डबोर्ड है गाइज, यू नो ये वाला कार्डबोर्ड, तो एक तरह से ये कार्डबोर्ड तो हो गया मेरा इनपुट लेयर,
ये कार्डबोर्ड हो गया मेरा हिडन लेयर और ये कार्डबोर्ड हो गया मेरा आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर का काम क्या था? करेक्ट प्रिडिक्ट करना। करेक्ट प्रिडिक्शन का मतलब क्या है? इस टारगेट को हिट करना, राइट। सो इनिशियल में इसकी जो लोकेशन थी, राइट, वो इस तरीके से थी कि हमने इनिशियल में हर लेयर के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन सब के वेट्स को रैंडमली इनिशियलाइज कर दिया। वेट्स आर रैंडमली इनिशियलाइज्ड हैं, कोई फिक्स नहीं है, रैंडम नंबर है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जब पहली बार मैंने इनको डेटा दिया तो इस लेयर ने कुछ प्रोसेस किया, फिर नेक्स्ट लेयर पे पहुंचा, उसने कुछ प्रोसेस किया, फाइनली मेरा आउटपुट लेयर ने कुछ प्रिडिक्शन दिया, वो प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं था, तभी तो टारगेट हिट नहीं हुआ, राइट। इसका मतलब अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर उसने टारगेट को हिट नहीं किया, उसने करेक्ट प्रिडिक्शन नहीं दिया है, तो हमने क्या किया, ऐसा करते हैं इन वेट्स को अपडेट करते हैं। सो अब नाउ वेट्स आर अपडेटेड, वेट्स को अपडेट किया, तो ये शिफ्टिंग जो थी कार्डबोर्ड की वो वेट्स के अपडेट करने के बराबर ही मानी जाए, राइट। वेट अपडेट हुए, वेट अपडेट हुए तो फिर से हमने डेटा दिया और फिर से प्रेडिक्शन की कोशिश की, फिर से कुछ नहीं हुआ, तो एक तरह से ये लूप चल रहा है। वेट्स को सो पुश करते हैं, डेटा देते हैं, प्रेडिक्शन लेते हैं, कंपेयर करते हैं कि रिजल्ट मिला या नहीं मिला, टारगेट अचीव हुआ या नहीं हुआ, तो फिर से वेट को अपडेट करते हैं। तो गाइस डेटा जो मूव कर रहा है वो तो कहलाता है फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, राइट, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। डेटा जो मूव कर रहा है वो तो कहलाया फॉरवर्ड प्रोपोगेशन गाइस, ओके। और अब जब हमने देखा कि यार टारगेट हमारा अचीव नहीं हुआ है, तो हमने वेट्स को अपडेट किया। वेट्स कैसे अपडेट होते हैं? सबसे पहले आउटपुट लेयर के वेट अपडेट होंगे, फिर इस लेयर के अपडेट होंगे, फिर इस लेयर, तो इसका मतलब एक तरह से उल्टी डायरेक्शन में वेट अपडेट हो रहे हैं। तो उल्टी डायरेक्शन में वेट को अपडेट करना प्रोसेस कहलाता है बैक प्रोपोगेशन। क्या बोलते हैं इसको गाइस? बैकवर्ड प्रोपोगेशन या बैक प्रोपोगेशन। सो गाइस डेटा तो फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में हो रहा है, लेकिन जो वेट्स अपडेट हो रहे हैं, अब वो वेट कब तक अपडेट करते जाएंगे? जब तक अपडेट करते रहो, जब तक अपडेट करते रहो, जब तक कि तुम्हारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। इसका मतलब ये वेट जब तक अपडेट होते रहेंगे जब तक कि हमारा प्रिडिक्शन करेक्ट नहीं हो जाता। इस तरीके से गाइज न्यूरल नेटवर्क की ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में हमने उनको कुछ डेटा दिया, शुरुआत में जब हमने उनको कुछ डेटा दिया तो वेट्स का रैंडम, इसका मतलब हर नोड का वेट रैंडम है, कुछ भी मिल गया उसको, फिक्स नहीं था, राइट। और रैंडम नंबर कैसे जनरेट कर सकते हैं? नंपी से रैंडम नंबर जनरेट हो सकता है, राइट, सबको पता है, राइट। तो इस तरीके से गाइस, और फिर क्या हुआ? बैक प्रोपोगेशन हुआ, बैक प्रोपोगेशन से वेट अपडेट हुए, फिर देखा प्रेडिक्शन आया, तो एक तरह से लूपिंग है। और ये लूपिंग कब तक चलती रहेगी? जब तक कि हमारे वेट ऑप्टिमाइज नहीं हो जाते, और वेट ऑप्टिमाइज का मतलब है जब तक कि हमारा प्रेडिक्शन सही नहीं आने लग जाता है। ये पूरी प्रोसेस ट्रेनिंग कहलाती है, और ट्रेनिंग में भी जिस चीज पर हमने ध्यान देने की जरूरत है वो कहलाता है बैक प्रोपोगेशन, बिकॉज बैक प्रोपोगेशन ही वो कहानी है जिसके थ्रू हम लोग क्या अपडेट कर रहे हैं, वेट्स को अपडेट कर रहे हैं। गाइज क्या ये लॉजिक समझ में आया जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होता है, कैसे उसके वेट ऑप्टिमाइज होते हैं, कैसे वो करेक्ट प्रिडिक्शन करने लग जाता है, शुरू में नहीं करता है लेकिन बाद में ट्रेनिंग होने के बाद में करने लग जाता है। ये एक ओवरऑल हाई लेवल मैथमेटिक्स है गाइस, अभी तो डीप वाली बात तो मैंने बताई नहीं आपको, क्योंकि जब तक पहले ऊपर से समझ नहीं आएगा अंदर क्या समझोगे, अंदर तो बाद की बात है, मैथ तो बाद में करेंगे, पहले उस बेसिक फिलॉसफी, उस बेसिक लॉजिक की कहानियां तो समझ लें गाइस। अब बताइए क्या आपको ये अब समझ में आया कि कैसे न्यूरल नेटवर्क काम करता है, कैसे बैक प्रोपोगेशन हो रहा है, कैसे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन हो रहा है, कैसे वेट्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं, कैसे यू नो लेयर कौन सी है, इनपुट लेयर कौन सी है, आउटपुट लेयर कौन से नोड हैं, क्या नहीं है, कौन सा बताओ गाइस। रिया सेइंग यस, दिनेश सेइंग यस, सपना कह रही है कि सर समझ में आया, लवेश, निशु, चंद्र प्रकाश, लोकेश, सभी लोग कह रहे हैं कि ये समझ में आया, वेरी गुड गाइस, यू नो वेरी गुड। नाउ गाइस एक चीज और समझो, राइट,
सो नाउ क्या बात है, या दिनेश यू आर राइट. क्या अभिषेक मजा आ रहा है? दिमाग की बत्तियां जल रही है कि नहीं जल रही तुम लोगों की? सो अभिषेक कह रहा है सर आज ज्यादा अच्छे से समझ में आया है, आज ही ज्यादा अच्छे से समझ में आया. ओके सो एक और चीज समझिए गाइस, क्या होता क्या है उसको और समझ लीजिए थोड़ा सा, है ना, थोड़ा और समझिए. जैसे हम एक न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं, सो ये इनपुट लेयर है गाइस, कुछ उसमें ये है, और यहाँ पे ये इनपुट लेयर हो गया, ये कुछ ये हो गया, कुछ ये इस तरीके की चीज है गाइस, यू नो लेट्स से ये है इस तरीके से. ठीक, तो ये इनपुट लेयर हुआ, ये हिडन लेयर हुआ, ये आउटपुट लेयर हुआ. अब समझना क्या आप बता रहा हूं मैं. लेट्स से हमने यहां पे एक इमेज दी इसको, कोई फ्रूट इमेज है. सो लेट्स से कोई फ्रूट इमेज है गाइस, ये फ्रूट इमेज है. ठीक, इस नेटवर्क को बताना है कि ये फ्रूट का इमेज किसका है. सो देखिए यहां पे तीन नोड रखने का मतलब क्या है आउटपुट लेयर में? आउटपुट लेयर में तीन नोड रखने का मतलब है हमारे डेटा सेट में तीन यूनिक क्लासेस हैं, राइट? लेट्स से वो क्लासेस हैं, एक एप्पल है, एक ऑरेंज है और एक मैंगो है. तो अब देखो क्या है, तीन क्लास का मतलब ये समझ लीजिए, ये ऑरेंज है, ये नोड ऑरेंज के लिए मान लेते हैं और ये नोड मैंगो के लिए मान. तो मान लीजिए ये इनपुट इमेज गई, तो क्या आउटपुट देगा, कैसा आउटपुट देगा वो समझना गाइस. ये कहेगा कि लेट्स से इसका आउटपुट है कि 70%, आई एम 70% श्योर दैट दिस इमेज इज एप्पल. ओके, आई एम 20% श्योर दैट दिस इमेज इज ऑरेंज. आई एम 10% श्योर दैट दिस इमेज इज मैंगो. देखिए गाइस, हर नोड ने अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी दे दी है. इसने बोला कि साहब मैं 70% कॉन्फिडेंस लेवल पे हूं कि ये इमेज जो आपने प्रेडिक्शन के लिए दी है वो एप्पल की इमेज है. ये वाला नोड कहता है सर नहीं सर मैं 20% श्योर हूं कि ये ऑरेंज है, और ये वाला कहता है कि सर मैं तो 10% श्योर हूं कि ये मैंगो है. तो गाइज अब हम किसके साथ जाएंगे, जो हाइएस्ट प्रोबेबिलिटी है, राइट, उसके साथ जाएंगे. तो हम करते क्या है, इसके ऊपर एक एक्टिवेशन फंक्शन लगा देंगे इन वैल्यूज के ऊपर. कौन सा एक्टिवेशन लगेगा गाइस? सॉफ्टमैक्स लगेगा. सॉफ्टमैक्स करता क्या है? सॉफ्टमैक्स का काम यह है कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को तो वन कर देना और बाकी सब को जीरो कर देना. समझ में आया गाइस मैं क्या कह रहा हूं? सॉफ्टमैक्स सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन है. वो सिंपली उसको क्या दिया, हमने कुछ सीक्वेंस दिया इनपुट का, तो वो क्या करेगा, जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है उसको तो वन कर देता है और बाकी सबको कर देगा जीरो. तो अगर आउटपुट में 100 आया है तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये किसका निशान है, ये एप्पल का है. तो अगर एप्पल की बात करेंगे तो क्या आना चाहिए, 100 आना चाहिए नोड पे आउटपुट. अगर ऑरेंज की बात करेंगे तो क्या आउटपुट आना चाहिए गाइस, 010 आना चाहिए. क्यों? क्योंकि उस केस में सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किस पे आएगी, इस नोड पे आएगी, क्योंकि ये नोड ही तो ऑरेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है. और अगर मैंगो दिखाना है तो क्या आना चाहिए, 001. गाइज क्या ये लॉजिक समझ में आया, जो सॉफ्ट मैक्स के बारे में और आउटपुट पे जो प्रोबेबिलिटी मिल रही है उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा की है. क्या ये लॉजिक समझ में आया गाइज कि सॉफ्ट मैक्स क्या करता है? सॉफ्ट मैक्स का सिंपल काम है यार, जो ये नोड कॉन्फिडेंस लेवल दे रहे हैं हमें कि 60% है, 60% है, उसमें हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी को वन कर देना है, बाकी सबको जीरो. दैट इज सॉफ्ट मैक्स. ओके, ऐसे ही दूसरी चर्चा, ये तो हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन की चर्चा गाइस, यू नो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन. अब मैं बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन में कुछ ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स से ये तीन नोड हैं, यहाँ पे दो नोड हैं, और बाइनरी में कितने नोड लगते हैं गाइस, आउटपुट में मुझे कितने नोड चाहिए होते हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन में, वन, राइट? सो वन नोड रखते हैं. सो गाइस अब मान लीजिए मैंने कोई इमेज दी कि ये कैट है या डॉग है, लेट्स से
मुझे ये प्रेडिक्शन चाहिए, तो कैट और डॉग का मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन है, दो ही क्लासेस है ना, तो बाइनरी माना, बाइनरी का मतलब दो। अब गाइज क्या होगा, समझना इस चीज को, यहां पे हम कौन सा एक्टिवेशन लगाते हैं, सिग्मोइड लगाते हैं, राइट, मालूम है सिग्मोइड एक्टिवेशन। तो सिग्मोइड क्या करता है गाइज, प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। सिग्मोइड सिंपली ये काम करता है कि अगर 50% से प्रोबेबिलिटी 50 या 50% से ज्यादा है तो उसको कर देता है 1, अगर 40% अगर 50% से कम है, तो अगर ज्यादा या उसके बराबर है तो 1 कर देगा उस नोड को, अगर कम है तो उस नोड को कर देगा 0। समझ में आई चीज गाइस? तो अगर ये नोड 1 आउटपुट देता है तो मान लेंगे कि कैट है, और अगर ये नोड आउटपुट देता है 0 तो मान लेंगे कि वो डॉग है। गाइस समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? आउटपुट लेयर में एक ही नोड चाहिए क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन है, और बाइनरी क्लासिफिकेशन होता है तो आउटपुट लेयर में कौन सा नोड लगाते हैं, सिग्मोइड। अंदर तो रेलू ही लगेगा गाइस, यहाँ पे भी रेलू है, इस केस में भी रेलू है, दोनों ही जगह हिडन लेयर पे तो दोनों ही जगह रेलू लग रहा है। यहाँ पे किसी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, इनपुट लेयर है ना, तो इनपुट लेयर पर कोई एक्टिवेशन नहीं लगाते हैं। सो गाइज इस तरीके से ये चीज यहाँ पे हुई। क्या अब समझ में आया सिग्मोइड का काम क्या है और सॉफ्टमैक्स का काम क्या है गाइज? या चंद्र प्रकाश यू आर राइट। अब साथ के साथ ये और काम देख लेते हैं कि रेलू कैसे काम करता है गाइस। साथ के साथ और क्या देख लेते हैं, साथ के साथ ये काम भी देख लेते हैं कि रेलू कैसे काम करता है। रेलू तो और भी आसान है समझना, समझ लो गाइस रेलू की कहानी क्या है। यहां पर रेलू समझा देता हूं, ये रेलू और भी एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं गाइस, वैसे यू नो टेन एच होता है, दूसरे भी होते हैं, पर उनको फिलहाल अभी हम फोकस नहीं करेंगे, मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं। तो बेसिक में तो तीन ही है इंपॉर्टेंट, सिग्मोइड, सॉफ्टमैक्स और रेलू। ओके गाइस, अब देखना रेलू कैसे काम करता है। रेलू का काम तो और भी आसान है गाइस। अगर इनपुट लेस देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है तो आउटपुट हमेशा ही जीरो होगा गाइस। इसका मतलब इनपुट की वैल्यू अगर नेगेटिव रेंज में है तो आउटपुट हमेशा जीरो है, और अगर इनपुट ग्रेटर देन जीरो है तो आउटपुट हमेशा इनपुट के बराबर ही होगा गाइस। समझ में आया? लेट से -20 है इनपुट तो क्या आउटपुट होगा, जीरो। अगर 10 इनपुट है तो क्या आउटपुट होगा, 10। ठीक है, समझ में आया गाइस? अगर ये नेगेटिव रेंज का डेटा है तो वो जीरो हो जाता है आउटपुट में, और अगर पॉजिटिव रेंज का डेटा है तो एज इट इज आउटपुट में आता है। ये है रेलू। रेलू का तो काम बहुत ही आसान है गाइस। क्या रेलू समझ में आया? रेलू का फुल फॉर्म है रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, रेलू इज रेक्टिफाइड रेलू। This is real, guys. So guys, आज की जो हमारी चर्चा थी वो मैंने स्टार्ट तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग से की थी, क्योंकि उसमें जितने भी बेसिक चीजें बची हुई थी वो आज मैंने आपको बता दी कि पॉलिसी क्या है, स्टेट वैल्यू फंक्शन क्या है, एक्शन वैल्यू फंक्शन क्या है, राइट। और अब हमने वहां से टर्न क्यों लिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्टेट वैल्यू फंक्शन पता करना है या फिर एक्शन वैल्यू पता करना है तो अब आपको न्यूरल नेटवर्क की या डीप लर्निंग की जरूरत पड़ेगी, और डीप लर्निंग की जरूरत पड़ेगी तो मुझे डीप लर्निंग का एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। तो उस बेसिक से आइडिया की ही कहानी में मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कोई भी डीप लर्निंग जो होता है वो पूरा का पूरा न्यूरल नेटवर्क पर बेस्ड है, और न्यूरल नेटवर्क में भी जो सबसे कहानी समझने की है कि हम डीप लर्निंग में भी या न्यूरल नेटवर्क में भी दो तरीके की कहानी पढ़ सकते हैं, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। अनसुपरवाइज्ड की तो आज मैंने बात ही नहीं की फिलहाल, राइट। लेकिन सुपरवाइज्ड डीप लर्निंग में तीन चीजें, ANN, CNN और RNN, ये तीन ही चीजें, ठीक है। और CNN मतलब कंप्यूटर विजन, राइट। RNN मतलब टाइम सीरीज एनालिसिस, ANN मतलब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो जो रिग्रेशन या क्लासिफिकेशन आप लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में करते थे वो चीजें अब ANN से ही हो जाएंगी। और ANN दिखता कैसा है कि साहब लेयर्ड आर्किटेक्चर है,
लेयर्ड आर्किटेक्चर में कुछ डेफिनेशन जैसे इनपुट लेयर, हिडन लेयर, आउटपुट लेयर बताए गए, डेटा किस लेयर से रीड होता है, कहाँ पे आउटपुट मिलता है, कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, फुली कनेक्शन या डेंस कनेक्ट मतलब क्या है, लेयर के अंदर जाते हैं तो नोड मिलते हैं, नोड कितने होंगे इसकी कहानी समझी कि सब इनपुट लेयर पर नोड कितने होने चाहिए, आउटपुट लेयर पर कितने नोड होने चाहिए, हिडन लेयर में कितने नोड होने चाहिए, हर नोड में जो है वो बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट है नोड, तो वो नोड पे क्या होगा, किसी भी नोड में इनपुट होगा, आउटपुट होगा, एक्टिवेशन फंक्शन होगा, वेट होगा, बायस होगा, राइट। फिर मैंने आपको ये बताने की कोशिश की कि हर लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन कामयाब रहता है, राइट, कि आउटपुट लेयर पे कौन सा एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करेंगे वो प्रॉब्लम से पता चलेगा कि सब रिग्रेशन है या क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में भी फिर दो कहानियां हो जाती हैं कि सब बाइनरी है या फिर मल्टी क्लास है, राइट। हिडन लेयर पे हमेशा ही अपने को रेलू लगाना है, इनपुट लेयर में फिलहाल किसी एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है। फिर मैंने आपको एक्टिवेशन फंक्शंस को समझाने की कोशिश की कि सब सिग्मोइड क्या है या सॉफ्टमैक्स क्या है या रेलू क्या है। न्यूरल नेटवर्क कैसे सीखते हैं सही प्रेडिक्शन करना, वो कैसे पहुंचते हैं अपने गोल पर, तो गोल पर पहुंचने के लिए उनकी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और जब ट्रेनिंग करते हैं तो क्या करते हैं, शुरुआत में सभी नोड्स के वेट रैंडम होते हैं, और फिर जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग होती जाती है तो बैक प्रोपोगेशन की वजह से उनका वेट्स ऑप्टिमाइज होता रहता है, और जब तक वो सही आंसर देना स्टार्ट नहीं कर देते तब तक वो बैक प्रोपोगेशन की प्रक्रिया चलती रहती है, और जब वेट्स ऑप्टिमाइज या फाइनल हो जाते हैं तब उनको आप फाइनली यूज कर सकते हो प्रेडिक्शन के लिए। तो ये एक आज मोटा मोटा समझाने का मेरा एक तरीका था कि आप लोगों को मैं डीप लर्निंग की बात थोड़ी समझाऊंगा, अभी भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि मैं आगे कुछ और चीजें भी फाइनली मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक डीप लर्निंग का पूरा केरास या किसी भी पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो के थ्रू मैं आपको पूरा मॉडल बनाना सिखा दूं, राइट। वो आपने सीख लिया तो फिर कहानी डीप लर्निंग की खत्म है, फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो, you know? So guys, डीप लर्निंग की कहानी कितनी समझ में आई मुझे इसका फीडबैक आपसे चाहिए, बताएं प्लीज, चैट विंडो को यूज करें और अपने अपने विचार आप वहां पे बता सकते हैं कि ऊपर से गया, बाउंसर था, समझ में आया, कैच हुआ, यू नो ये काफी मतलब यू नो गाइस यू नो बहुत ही पावर पैक्ड था, बहुत सारी चीजें हैं जिसको समझना होता है, खुद से पढ़ोगे तो महीने दो महीने कहाँ चले जाएंगे वो पता ही चलेगा। लविस को समझाएंगे अभी, बायस क्या है उसको समझाएंगे। लविस कह रहा है कि सब बायस क्या होती है, सो मोटा मोटा इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको ऐसे समझ लो, चलो लविस ने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ कि बायस क्या है। बायस भी एक नंबर है वैसे, तुमने समझा, देखो ऐसे है जैसे यहाँ ये दीवार है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर यू नो वॉल, ठीक है, और यहाँ पे कुछ फॉर एग्जाम्पल एक ऐसे फ्रूट रखा हुआ है, लड्डू है, मान लीजिए दिस इज लड्डू, ठीक है, ये एक लड्डू है लविश के घर में, तो मम्मी ने वहां पर रख दिया है ये दीवार। अब लविश है, राइट, सो ये अपना लविश भाई है और इस लविश का एक बड़ा भाई भी है, ठीक है, तो इसकी जो हाइट है इसका तो मान लेते हैं कि इसका वेट, सो वेट है, राइट, सो मान लीजिए इसकी सब लविश की हाइट है 5 feet 3 inches फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ठीक है, और इसके भाई की जो हाइट है उसी को हम वेट मान लें अपने न्यूरल नेटवर्क का, तो वो फॉर एग्जाम्पल 5 feet 4 inches है। इनमें से कोई भी भाई हाथ ऊपर भी कर दे तो भी इस लड्डू को पकड़ नहीं पा रहा है, वेट दोनों के मिल चुके हैं, इसका वेट ये है, इसका वेट ये, वेट फाइनल है, इसके तो चेंज कर नहीं सकते अपन, राइट। अब क्या करते हैं, इस लड्डू को कैसे पकड़ा जाए, इसका मतलब इस टारगेट तक कैसे पहुंचा जाए, तो क्या करते हैं, घर पे पड़ा हुआ एक स्टूल है तो वैसे तो हाथ नहीं आ रहा है, तो स्टूल लाए, स्टूल रख दिया, अब स्टूल पर चाहे लविश चढ़ जाओ चाहे उसका भाई चढ़ जाओ, अब हाथ आ गया है तो लड्डू हाथ में आ गया है। ये जो स्टूल की वजह से जो हाइट में चेंज हुआ है उस टारगेट को अचीव करने के लिए, इसी को बायस कहते हैं, यही तो बायस है। मेरा झुकाव या मैथमेटिकल टर्म्स में ये देखो, mx is equal to, y is equal to mx plus c होता है, इसमें क्या है इक्वेशन है ना ये, तो ये जो n है ये तो वेट है, स्लोप, इसी को तो वेट कहेंगे, यही वेट है गाइस, ये x इनपुट है, ये वेट है, ये c क्या है, इसको हम इंटरसेप्ट या बायस कहते हैं, ये
मैथमेटिक्स में तो इसको इंटरसेप्ट कहते हैं या कांस्टेंट कहते हैं, ये बायस है, दिस इज कॉल्ड एज बायस। तो यहां से यहां जो कट हुआ है ना, ये सी है, इसी को बायस कहते हैं, राइट। और ये जो स्लोप है, इसी को वेट कह रहे हैं हम। सो मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है और रियल लाइफ डेफिनेशन ये है। ये है कहानी आज की हमारी, गाइज, यू नो।